बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय चैनल पर हो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 7.5 के पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। 7.4 तक के तमाम सवालात को सॉल्व कर लिए। एक एक सवाल मैंने अपने चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड किया है। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 मेरे चैनल के अंदर अपलोड है, आप जाकर उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और ये न्यू बुक की जो आपके पास बुक है उसके रिगार्डिंग मैं आपको क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आ जाओ इसको सॉल्व करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। उससे पहले ये कहूँगा कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो होगा, उसमें मुझे मैसेज कर करके क्या हो जाएगा, आप बेटा उसमें ऐड हो जाओगे। तो इसमें लिखा है व्हाट, पहला सवाल है व्हाट इज द एंगल बिटवीन टू लाइन। याद रखना इसके अंदर हम लोग एंगल बिटवीन टू लाइन को पढ़ेंगे, और इसको हमने एंगल जो दो लाइन के दरमियान बनेगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। व्हेन दे इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन, तो कहा जा रहा है कि आपने एंगल बनाना है बिटवीन द टू लाइन। तो एक लाइन में ड्रॉ कर देता हूँ जो कि इंटरसेक्ट बिल्कुल करते हुए जा रहा है किससे, ओरिजिन से। ठीक है, इस तरीके से। और मैंने एक और लाइन बनाया जो कि क्या है बेटा, इंटरसेक्ट करते हुए इस लाइन को कहाँ से जा रहा है, ओरिजिन से जा रहा है। ठीक है, दोनों लाइन एक दूसरे को ओरिजिन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब ये वाली जो लाइन है वो जो पॉइंट है वो क्या है, ओरिजिन है। और ओरिजिन किसको बोलते हैं बेटा, 0.0 को। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट लाइन है जिसकी वैल्यू क्या दी हुई बेटा, 2.3। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये मेरे पास लाइन नंबर 1 है और ये इसका जो पॉइंट है वो क्या बेटा, 2.3 है। ठीक है, और मेरे पास जो सेकंड लाइन है उसकी वैल्यू क्या है बेटा, सेकंड लाइन की वैल्यू मेरे पास है -3.6। ठीक है, इसके पॉइंट्स हैं, तो ये मैंने कह दिया। अब मैं ये भी कह सकता हूँ बेटा कि ये वाली टर्म जो है वो मेरे पास एम वन है स्लोप, और इसका जो स्लोप है वो क्या बेटा, एम टू है। और मुझे इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है ना, इस दोनों लाइन के दरमियान जो एंगल्स बन रहा है वो आपने क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। तो चलो आ जाते हैं, फाइंड आउट करते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। तो सबसे पहले जो चीजें मेरे पास गिवन है उसको लिखना होता है। तो मैं लिख देता हूँ बेटा सोल्यूशन, और सोल्यूशन लिखने के बाद करता हूँ लेट। मैंने लेट किया द लाइन वन ऑफ स्लोप, मतलब क्या है मेरे पास जो लाइन वन का स्लोप है वो क्या है, एम वन। तो लिखना लाइन द लाइन वन, या इस तरह से लिख दो लाइन वन स्लोप, लाइन लाइन इस तरह से लिख दो लाइन वन, लेट लाइन वन बी द लाइन, सॉरी तो हमारे पास क्या, आपने सबसे पहले इसको सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैं क्या लिख देता हूँ बेटा, सोल्यूशन लिख देता हूँ। और आपने जो लाइन वन को सपोज किया है वो क्या है बेटा, उसका स्लोप क्या है, एम वन है। तो लेट करके लिख देना लेट, और उसके बाद लिखना लाइन वन, हमने लाइन वन को क्या क्या सपोज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एम वन बी द स्लोप ऑफ लाइन वन। मेरे पास जो स्लोप है वो क्या बेटा, लाइन वन का है। एंड दे पासिस थ्रो, ये जो लाइन पास हो रहा है बेटा वो कहाँ से हो रहा है, पासिस थ्रो ओरिजिन से लेकर के 2.0। तो लिख दूंगा 0.0 एंड क्या है बेटा मेरे पास 2.3। तो ये मेरे पास दो वैल्यूज गिवन है, और कहा जा रहा है कि आपने एम वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखूंगा एम वन, एम वन बराबर होता है बेटा मेरे पास y2 - y1, और नीचे क्या होता है बेटा x2 - x1। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहली वैल्यू बेटा x1 की होगी, तो x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू दूसरी वैल्यू वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, और बेटा y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो मैं 3 लिख देता हूँ, इन तमाम वैल्यूज को इसके अंदर पुट करके मैं सबसे पहले स्लोप 1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो मैंने लिखा बेटा एम वन की वैल्यू क्या आएगी, एक्स टू वाई टू मेरे पास 3 है, माइनस वाई वन मेरे पास क्या है बेटा 0, और नीचे क्या आ जाएगा एक्स टू मेरे पास बेटा 2 है और -0। तो एम वन की जो वैल्यू है बेटा क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। कितने आसान तरीके से हमने देखो क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, दोबारा से सपोज करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मुझे अभी डायग्राम तो मैंने बना लिया ना, आपने अभी ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है तो मुझे इसको रब करना पड़ेगा और मुझे थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने लाइन वन के लिए तो सपोज कर लिया था, अब बेटा लेट करना होगा लाइन कौन सा होगा मेरे पास, 2 होगा। ठीक है, तो आपने लाइन 2 को सपोज करना है, तो लिखना अब लेट एम टू बी द स्लोप ऑफ लाइन, कौन से लाइन का बेटा स्लोप है ये, 2, एंड दे पासिस थ्रो, बेटा ये कहाँ से पास हो रहा है, कौन से पॉइंट, दे पासिस थ्रो एट पॉइंट, मेरे पास जो पॉइंट है वो लिख देता हूँ थ्रो एट पॉइंट। पॉइंट क्या था बेटा मेरे पास, एक ओरिजिन था 0.0, और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा मेरे पास, -3.6। तो लिख दूंगा एंड -3.6। ठीक है, ये तो मैंने वैल्यू आपको लिख करके दिखा दिया। तो एम टू की वैल्यू बेटा वैसे ही निकलेगा, तो पहले एक्स वन की वैल्यू लिख दो, एक्स वन की वैल्यू क्या बेटा 0, वाई वन की वैल्यू क्या बेटा 0,
मुझे जहाँ से एक्स टू की वैल्यू क्या बेटा -3 और वाई टू की वैल्यू क्या बेटा 6। ठीक है, मैंने ये दोनों आपको वैल्यू लिखकर दिखा दिया। फॉर्मूला होता है बेटा एम टू बराबर होता है वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, दोनों टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। कितने आसान तरीके से हम देखो काम करते जा रहे हैं और ये देखो कितना आसान तरीके से सॉल्व होते जा रहा है। ठीक है, तो अब क्या करोगे बेटा, मैंने एम टू लिखना होगा, वाई टू की वैल्यू क्या है बेटा 6, फिर उसके बाद क्या लिखा है माइनस का 0, तो माइनस का 0 लिख दूंगा। और बेटा एक्स टू की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 3, और मेरे पास ये क्या हो जाएगा माइनस का 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसे एम टू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल की वैल्यू निकालने के लिए एम वन और एम टू को निकालना लाजमी है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, इसको जरा कर लें सॉल्व, तो 6 हो जाएगा, माइनस का 3 3 1 3 3 2 6, तो मेरे पास एम टू की वैल्यू आ जाएगी बेटा माइनस का 2। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास आ गई माइनस का 2, एम वन की वैल्यू और एम टू की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। बेटा अब क्या करना होगा, अब आपको एक काम करना होगा, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही होगी तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना होगा बेटा कि आपको वीडियो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे अच्छा महसूस होता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपके लिए वीडियोस उसी जज्बे के साथ बनाऊं जिस जज्बे से मैंने फर्स्ट डे को वीडियो बनाया था। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोस में कमेंट करके बताओ कि कैसा है। अगर आप कमेंट्स करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपके तमाम कमेंट्स के मैं भी क्या कर सकूँ, जवाब दे सकूँ। तो बेटा एंगल बिटवीन टू लाइन निकालना है, तो मैंने थीटा लिख दिया। ठीक है, याद रखना है, एक बात को याद रखना है, अगर मेरे पास पॉजिटिव आता है आंसर, ठीक है, और एक मेरे पास आएगा एंगल की वैल्यू नेगेटिव, ठीक है, इस तरह की मेरे पास वैल्यू आएगी। तो याद रखना, अगर मेरे पास एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा बेटा एक्यूट एंगल होगा, तो ये लेस देन क्या होगा बेटा 90 से छोटी वैल्यू होगी एक्यूट की, क्या होगी 90 से छोटी वैल्यू एक्यूट की आएगी। और जब मेरे पास एब्ट्यूस एंगल होता है, ठीक है, तो एब्ट्यूस एंगल में क्या होता है, एक्यूट की वैल्यू 90 से जो बड़ी वैल्यू होती है, मैं डिग्री से बड़ी वैल्यू होती है वो एब्ट्यूस होता है, और एक्यूट क्या होता है बेटा 90 से छोटी वैल्यू। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने, जो 90 से छोटी वैल्यू होगी वो एक्यूट, और जो 90 से बड़ी वैल्यू होगी क्या होगी एब्ट्यूस। तो हमेशा बेटा पॉजिटिव वाली टर्म होगी मेरे पास एक्यूट, और ऑब्ट्यूस मेरे पास क्या होगा बेटा नेगेटिव वाली टर्म होगी। मैं बताऊंगा क्यों नेगेटिव होगा, अभी अगला सवाल सॉल्व करेंगे ना तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों मैं कह रहा था नेगेटिव हमारे पास ऑब्ट्यूस होगी, क्योंकि उसमें हमें कुछ कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी होगी और उसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो बेटा याद रखना, जब भी थीटा की वैल्यू निकालनी होगी ना, तो हमारे पास स्लोप गिवन होगा, तो क्या लिखोगे टेन थीटा बराबर होता है बेटा एम टू माइनस एम वन, और यहाँ पे क्या होता है बेटा 1 + m1 और m2। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके तहत मुझे क्या करना होता है, इसको सॉल्व करना होता है। तो बेटा लिखता हूँ टेन थीटा मेरे पास बराबर हो जाएगा m2 की वैल्यू क्या आई है बेटा, एम टू की वैल्यू थी मेरे पास लाइक -2, तो मैं क्या लिख दूंगा -2, फिर माइनस का निशान। एम वन की वैल्यू क्या आई थी बेटा 3/2, तो क्या लिख दूंगा 3/2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैंने लिख कर दिखा दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा 1 लिखूंगा, प्लस का निशान लूंगा, एम वन की वैल्यू बेटा -2, और एम टू की वैल्यू क्या थी मेरे पास 3/2, तो मैंने क्या लिख दिया 3/2 लिख दिया। एम टू की वैल्यू -2 और उसकी वैल्यू बेटा 3/2 था, और 3/2 लिख दिया। अब इसको सॉल्व करना, तो बहुत आसान तरीका है सॉल्व करना, मुश्किल काम नहीं रहा है। 2 का कितना हो जाएगा -4, -3/2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 1, -2 3 का कितना हो जाएगा -6/3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलो इसको मजीद सॉल्व करते हैं, तो मैं इतने हिस्से को रफ कर देता हूँ, क्योंकि इसको रफ कर देंगे क्योंकि जगह नहीं हो रही थी। तो चलो इसका सॉल्व यहाँ पे करते हैं, तो क्या लिखता हूँ बेटा मैं 10 लिखता हूँ, थीटा लिखता हूँ, माइनस का 2 है, 2 का कितना हो जाएगा बेटा 4, तो -4 -3/2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे वाली टर्म मेरे पास क्या है बेटा, नीचे वाली टर्म मेरे पास है 1 लिखा हुआ है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, तो -6/2 क्या हो जाएगा बेटा 2 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, तो टेन थीटा लिखता हूँ मैं, -4 -3 बेटा -7/2 हो जाएगा, ये पूरा डिवाइडेड का निशान है, मैं डिवाइड लगा दिया, 2 1 2 हो जाएगा, और 2 में से -6 होगा तो कितना बचेगा बेटा -4 बचेगा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर डिवाइड का निशान है, मल्टीप्लाई का निशान होगा तो ये ऊपर और ये नीचे आ जाएगा, तो टेन थीटा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा -7/2, मल्टीप्लाई का निशान 2/-4, तो बेटा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7/4 आ गई। अब बेटा मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है, और टेन को इक्वल टू के बाद ले जाओ, तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टेन इनवर्स के बराबर हो जाएगा, और क्या आ जाएगा बेटा 7/4। मैं इसे क्या करता हूँ कैलकुलेटर में निकाल देता हूँ और देख लेता हूँ कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, आपने कैलकुलेटर में कैसे निकालना होगा, आपने शिफ्ट दबाना होगा और टेन दबाना होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो जरा मैं यहाँ पे क्या दबा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4 लिख देता हूँ,
और मेरे पास क्या हो जाएगा, 7/4 की वैल्यू क्या आ रही है। सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा 10, ठीक है, मैंने 10 लिख दिया। और मेरे पास 10 के बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद आएगा मेरे पास इनवर्स, ठीक है। तो 10 के बाद मुझे इनवर्स लिखना है, तो मैंने एज अ पावर लेकर के -1 लिख दिया, ठीक है, -1। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है बेटा, वो आ रही है, मैं निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू। तो बेटा मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ रही है इसकी वैल्यू, 10 की वैल्यू आ रही है डिग्री के अंदर 60.25 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेटा ये एक्यूट एंगल है, क्योंकि ये 90 से क्या है बेटा, कम है। जब 90 से कम आता है तो मेरे पास क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल होता है, और वो हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में होता है। तो हमने इस सवाल को सोल्व कर लिया, चले आज इसका नेक्स्ट सवाल सोल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सोल्व हो रहा है। बस क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो लिखा हुआ बेटा फाइंड करना एंगल बिटवीन टू लाइन, मेरे पास दो इक्वेशन दी हुई, लाइन 1 और लाइन 2, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपने सोल्यूशन लिखना है और लेट कर लेना है कि L1 जो है बेटा 4x - 3y = 8, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और L2 जो है मेरे पास बेटा क्या है, 2x + 5y, और क्या लिखा हुआ है, 4, ये इक्वेशन नंबर क्या बेटा, 2 है, ठीक है। जब भी मेरे पास इक्वेशन दिया हुआ और उसका स्लोप निकालना हो, तो बहुत आसान तरीका होता है बेटा, सबसे पहले आपने लेट करना होगा, लेट एम वन, मतलब इसका क्या होगा बेटा, मेरे पास एम वन होगा स्लोप, लेट एम वन बी द स्लोप ऑफ, बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। और इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास बेटा, 4x - 3y = 8, ठीक है, ये मेरे पास टर्म है। तो अगर मुझे इसका एम वन निकालना है बेटा, तो एम वन निकालने का तरीका होता है माइनस का कोफिशियंट, ठीक है, माइनस का कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय बेटा कोफिशियंट ऑफ वाई, ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई लिखते हैं, तो मेरे पास एम वन की वैल्यू आ जाती है। तो एम वन लिखा, माइनस का निशान डाला, कोफिशियंट ऑफ एक्स क्या है बेटा, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, और नीचे बेटा सॉरी 4 है, पहले का क्या है मेरे पास 4 है, मैंने 4 लिख दिया, और बेटा कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है, माइनस का 3, तो माइनस का क्या है, 3 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 4/3। तो ये मेरे पास पहली वैल्यू निकल कर आ गए। अब इसी तरह से बेटा लेट करोगे, मेरे पास एम टू बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर 2, और इक्वेशन मेरे पास है क्या, एंड इक्वेशन मेरे पास जो है वो 4x - यहाँ पे कौन सा टर्म है, मेरे पास 2x है, ठीक है, तो 2x + 5y = 4 है, तो मैंने इसको लिख करके दिखा दिया। अब बेटा मुझे एम टू की वैल्यू निकालना है, तो एम टू की वैल्यू भी बेटा कैसे निकलेगा, माइनस का कोफिशियंट, ठीक है, माइनस का कोफिशियंट मेरे पास क्या होगा, x एंड कोफिशियंट ऑफ y, ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ कोफिशियंट ऑफ y। तो बेटा मैंने m2 लिखा, माइनस का निशान डाला, कोफिशियंट ऑफ x क्या है बेटा, इसके अंदर 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा, तो कोफिशियंट ऑफ y क्या, प्लस का y 5 है, मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। तो m2 और मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। लास्ट टाइम हमारे पास ओरिजिन गिवन था, तभी हमने स्लोप का वाला फॉर्मूला लगाया था, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, इस तरह से सॉल्व करना पड़ रहा है। तो बेटा अब क्या करोगे, आपको मालूम है एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल का फॉर्मूला होता है m2 - m1 / 1 ये थीटा होता है, ठीक है, टेन थीटा, भूल मत जाना, टेन थीटा बराबर होता है बेटा m2 - m1 / m1 × m2, ठीक है। तो ये मेरे पास तरीकेकार होता है, तो क्या लिखूंगा बेटा, tan थीटा लिखूंगा, m2 की वैल्यू क्या है बेटा, -2/5, माइनस का निशान, m1 की वैल्यू क्या है बेटा, 4/3, तो क्या लिखूंगा, 4/3, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 1 प्लस m1 की वैल्यू क्या है बेटा, m1 की वैल्यू मेरे पास 4/3 है, तो क्या लिख दूंगा, 4/3 लिख दूंगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 2/5, तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 2/5 हो जाएगा m2 की वैल्यू। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा मैंने वैसे ही लिखा, 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है निकाल कर देख लो, वैसे तो 5 3 का एलसीएम 5 3 = 15 ही होगा, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है बेटा, 15 आ रहा है। अब इस 15 को एक दफा इससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि एलसीएम लेने का तरीका ये होता है, तो माइनस का 2/5 × 15, 5 1 = 5, 5 3 = 15, -2 3 = 6, तो माइनस का क्या बचेगा यहाँ पे, 6 बच जाएगा। उसी तरीके से बेटा अगर एलसीएम इसका लियो, तो 4/3 लिखोगे, और इसको भी मल्टीप्लाई करोगे 15 से, 3 1 3 3 5 15 4 5 20, तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो माइनस का 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद इस वाइट टर्म में मेरे पास माइनस का 6 और माइनस का 20 आ गया, और नीचे वाइट टर्म को भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 1 लिखता हूँ, प्लस का निशान अभी रुको, ये मेरे पास क्या है, 4/3 था और ये माइनस का था, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 4 2 = 8 हो जाएगा, 3 5 = 15 हो जाएगा, ठीक है। अभी तक तो मेरे पास ये इतना सॉल्व हुआ है, ठीक है।
अब क्या करना होगा, इसको मजीद सॉल्व करना होगा और देखना होगा इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट होकर आ रही है। तो बेटा मैं टेन थीटा को वैसे ही लिख दूंगा, ठीक है, इक्वल टू का निशान, ऊपर वाली वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 6 और माइनस का 20 किसके बराबर होता है, माइनस का 26 के, ठीक है। उसके नीचे 15 लिखा हुआ है, मैंने क्या लिख दिया, 15 लिख दिया, ठीक है। फिर एक और ब्रैकेट डाला, 15 वन का कितना होता है बेटा, 15 होता है, ठीक है। माइनस का 8 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 15, 15 में से 15 क्या हो गया बेटा, हमारे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा टेन थीटा मैंने लिख दिया, माइनस का 26 बेटा, 15 में से 8 जाएगा तो मेरे पास कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक है। अभी जब मुझे टेन की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, थीटा को यहीं पर एंड दूंगा, टेन को इक्वल टू के बाद जाएगा, टेन इनवर्स हो जाएगा, माइनस का 26 अपॉन 7 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा याद रखना एंगल नेगेटिव आई है, जब भी नेगेटिव आएगी तो हमें ना इसमें एक काम करना होगा, तो पहले तो मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देता हूँ, शिफ्ट दबा करके टेन लिखूंगा तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास क्या आ रही है बेटा, माइनस का 74.93 डिग्री। लेकिन मुझे नेगेटिव में आंसर नहीं चाहिए होता, मैंने लास्ट टाइम बताया था अगर नेगेटिव आएगा तो मेरे पास वो कौन से एंगल बन के आएगी, वो आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल आएगी। वो कैसे आएगी कि माइनस का 74 में बेटा मैं क्या कर दूंगा, 93 है ना, मैं इसको प्लस करवा दूंगा 180 से, 180 डिग्री को माइनस करवाऊंगा 74.93, ताकि मेरे पास पॉजिटिव आंसर आए, पॉजिटिव एंगल आए। तो जब भी पॉजिटिव एंगल आएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये मेरे पास जो बनकर आएगा वो मेरे पास आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर में इसको सॉल्व कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास 180 है, ठीक है, 180 है, अगर माइनस कर देता हूँ बेटा मैं इसमें 74.93 तो मेरे पास 105 आ रही है, ठीक है। तो 105.07 डिग्री, तो मतलब ये मेरे पास कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल है, क्योंकि 90 से अबव आ रही है। जब भी नेगेटिव आंसर आएगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, 180 से उसको माइनस, मतलब 180 को प्लस करते हुए दूसरी वैल्यू को माइनस करवा देना होगा, ताकि मेरे पास क्या हो सके बेटा, वो एंगल चेंज होकर क्या बन जाए, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। तो नेगेटिव वाला हमेशा ऑब्ट्यूस आएगा, और आपके पास जो पॉजिटिव वाला होगा वो हो सकता है कि आपके पास एक्यूट एंगल बन करके आए। तो मैंने ये दो सवाल करवा दिए, चले आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। लाइट चले गई तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे इस कॉपी में सॉल्व करवाना पड़ रहा है, चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिखा हुआ फाइंड एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बताया था ना आपको, 90 से जो छोटी वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होता है बेटा, एक्यूट एंगल होती है, ठीक है। अगर मेरे पास लेस देन क्या हो, 90 हो, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या हो, 90 हो, मतलब 90 तो छोटी वैल्यू आए तो वो मेरे पास एक्यूट एंगल होते थे, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। तो क्वेश्चन में 3 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड एक्यूट एंगल, आपने एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना है जबकि L1 वैल्यू मेरे पास बराबर है y बराबर 3x + 1, जबकि इक्वेशन ऑफ लाइन 2 जो मेरे पास गिवन है -4x + x लिखा हुआ है। तो मेरा ये सवाल ना बहुत आसान है, कैसे ये देखो, मुझे सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे सोल्यूशन लिखना होगा, ठीक है। तो मेरे पास पेन अगर चल रहा हो तो मैं क्या लिखूंगा, इधर सोल्यूशन लिखूंगा, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया था, सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करूँगा, सबसे पहले जो मेरे पास चीज़ें गिवन है उसको शो करना होएगा कि L1 जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, y 3x + 1 के, ठीक है, जबकि मेरे पास L2 जो है बेटा वो किसके बराबर है, वो y जो है वो बराबर है -4 + x के, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, एक एक करके दोनों का स्लोप निकालना होगा, M1 और L1, ठीक है। तो लिख देना, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ L1, ठीक है, बी द स्लोप ऑफ L1, और इसकी इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, y बराबर है 3x + 1 के। उसी तरह से बेटा यहाँ पे भी लिख दोगे, लेट M2 जो है वो क्या है बेटा, बी द स्लोप है, वो स्लोप है किसका स्लोप है बेटा, वो स्लोप है मेरे पास SLOP है, ठीक है, स्लोप ऑफ L2, ठीक है। L2 जो मेरे पास गिवन है L2, वो मेरे पास क्या है बेटा, यहाँ पे लिखा है -4x और +x, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज को मैंने आपको बता दिया कि दोनों इस दूसरे के स्लोप है बेटा। इसको स्लोप को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कि मुझे मालूम है स्लोप का फॉर्मूला, मेरे पास स्लोप का फॉर्मूला क्या है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर क्या बोल दो, 1, और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। मुझे मालूम है स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्लोप का फॉर्मूला होता है कि y जो होता है वो मेरे पास बराबर होता है किसके होते हैं, mx + b के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपैरिजन करना होगा, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को क्या करना होगा, कंपैरिजन करना होगा। तो मैं लिखता हूँ, क्योंकि मुझे M1 की वैल्यू निकालना है तो मैं लिखता हूँ कंपेयरिंग, मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, कंपेयर करने जा रहा हूँ, कंपेयरिंग द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 3 को मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, कंपेयर करने जा रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, मेरे पास y है, ये y है, तो y किसके बराबर हो जाएगा, y के 3x, सॉरी y है और ये y है, तो y y के बराबर हो जाएगा।
एम एक्स और एम एक्स, एम एक्स एम एक्स के बराबर हो जाएगा और वन, और बी बी के बराबर हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एम एक्स और एम एक्स को क्या लेता हूँ, एक दूसरे के बराबर ले लेता हूँ। तो एम एक्स क्या हो जाएगा बेटा, छः एक्स के बराबर हो जाएगा, एक्स से एक्स की वैल्यू कैंसिल आउट होगी, इसको मैंने एम वन लेट कर लिया, तो एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, छः आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से कंपेरिजन करके वैल्यू निकाला जा सकता है। फिर लिखना कंपेयरिंग करने जा रहे हैं, एक और बना दो, इसको एम वन करके लिख देना, एक और इक्वेशन बना दो कि मेरे पास एम टू एक्स प्लस बी है। ठीक है, तो लिख देना इसको इक्वेशन नंबर फोर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना कंपेयरिंग इक्वेशन, आप क्या करने जा रहे हो बेटा, कंपेयर करने जा रहे हो इक्वेशन टू एंड फोर। ठीक है, इक्वेशन टू एंड फोर को हम क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो इक्वेशन नंबर बेटा टू ये है और फोर ये है, तो इसमें माइनस फोर एक्स लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्लस एम एक्स टू। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, एम टू एक्स बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के फोर एक्स से, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो आ जाएगी एम टू की माइनस फोर आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये टर्म भी सॉल्व हो गई। ठीक है, हमें यही करना था ना सॉल्व, जब कंपैरिजन करके मेरे पास दोनों की वैल्यू आ गई, अब क्या करना होगा, क्योंकि मुझे एक्यूट एंगल निकालना है। ठीक है, तो एक्यूट निकालने का तरीका क्या होगा, आपको पता है 90 से वैल्यू कम आनी चाहिए फॉर एक्यूट एंगल, तो लिखना फॉर एक्यूट एंगल लेट थीटा इस एक्यूट एंगल। तो आप क्या बोलो, लेट कर लियो कि थीटा क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब बेटा मुझे फार्मूला मालूम है, एक फार्मूला क्या होता है कि टेन थीटा बराबर होता है एम टू माइनस एम वन, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे मेरे पास आ जाएगा वन प्लस एम वन इंटू एम टू। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है कोई भी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। इसे हम लोग प्लस या माइनस में लिखते हैं, क्यों प्लस और माइनस में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी वैल्यू प्लस या माइनस में बन करके आएगी, ताकि हम उसमें क्या कर सकें, ऐड करवा सकें या सब्ट्रैक्ट करवा सकें 180 को। तो ये मेरे पास फार्मूला हो गया। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, टेन थीटा मैंने वैसे ही लिखा क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू नहीं मालूम, एम टू की वैल्यू मालूम है माइनस का फोर है। ठीक है, और बेटा मेरे पास कौन सा निशान है, माइनस का निशान, एम वन की वैल्यू क्या है, थ्री है, तो मैं क्या लिख दूंगा, थ्री लिख दूंगा, फिर नीचे लिखूंगा वन लिखूंगा, प्लस लिखूंगा, माइनस का फोर लिखूंगा और प्लस का थ्री लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा की वैल्यू माइनस फोर माइनस थ्री माइनस का सेवन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रैकेट डाल के प्लस माइनस लिख देना। ठीक है, ताकि पता चल जाए कि मेरे पास प्लस माइनस की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना होगा, फोर थ्री का ट्वेल्व, तो वन माइनस क्या हो जाएगा, ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्लस और माइनस में इसकी वैल्यू आएगी। फिर टेन थीटा लिखोगे बेटा और क्या लिख दोगे, माइनस का सेवन अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस के अलेवन के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को कैंसिल आउट कर दो और ये बाहर प्लस माइनस को वैसे ही लिख लो। ठीक है, अब क्या करना होगा, सेवन अपॉन अलेवन की अगर वैल्यू लेते हो, फाइंड आउट करते हो, तो मेरे पास क्या आता है। ठीक है, तो मेरे पास इसकी जो डिग्री की वैल्यू आती है उसको निकाल लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने लिखा टेन थीटा और ये जो मेरे पास वैल्यू कटने के बाद आ जाएगी प्लस माइनस, और यहाँ पे क्या बचेगा, सेवन अपॉन अलेवन। ठीक है, अब यार टेन थीटा को इक्वल टू के बाद लेके जाएंगे, लेकिन बेटा मेरे पास हमेशा वैल्यू क्या होनी चाहिए, प्लस माननी चाहिए। तो मैं कंसीडर कर लूँगा कि टेन थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास, प्लस में सेवन अपॉन अलेवन। ठीक है, अगर माइनस आता तो मैं माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके इसको दोबारा से क्या कर देता, प्लस बना देता। ठीक है, तो बेटा थीटा यहीं पर रह गया, टेन इक्वल टू के बाद चले गया, तो क्या हो जाएगा, टेन का इन्वर्स आ जाएगा और सेवन अपॉन अलेवन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना होगा, टेन इन्वर्स शिफ्ट दबा के, टेन दबाओगे टेन इन्वर्स हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, 32.47 डिग्री। तो ये मेरे पास वैल्यू फाइंड आउट होकर आ रही है कैलकुलेटर में। तो यही मेरे पास क्या है बेटा, एक्यूट एंगल है। क्यों एक्यूट एंगल है, फिर थीटा की वैल्यू जो है वो 90 से क्या आ रही है, सॉरी थीटा की वैल्यू जो है 90 से क्या आ रही है, छोटी आ रही है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आज इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, आपने एंगल बताना है टू लाइंस के दरमियान, ऑन विच इज द एक्स एक्सिस, और वो एक्सिस में एक्स एक्सिस में, जब भी एक्स एक्सिस की बात की जाए तो एम वन की वैल्यू क्या होगी बेटा, जीरो होगी। और कहा जा रहा है कि आपने अदर लाइन जो मेरे पास दिया हुआ है ये, तो एम वन की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जीरो, क्योंकि स्लोप ऑफ इक्वेशन नंबर वन जो होगा वो एक्स एक्सिस में बिलोंग करता है, तो एक्स एक्सिस में एम वन क्या होता है, जीरो। उसी तरह से दूसरी इक्वेशन दी हुई मुझे, तो इससे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ कैसे, ये देखो इस तरीके से, अगर मेरे पास एक इस तरह का टर्म है, ठीक है, और एक लाइन है मेरे पास यहाँ से क्या हो रही है, पास हो रही है, ठीक है,
और मैंने इसको बोल दिया कि मेरा पास कौन सी लाइन से पास हो रही है बेटा, एक्स एक्सिस से हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास एम वन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह से ये जो लाइन है मेरे पास, जो सेकंड लाइन है, उसको मैं यह कहूँगा, मैं कह दूँगा कि मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास इसकी जो वैल्यू है, वो जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है इक्वेशन, मैं इसको बोलूँगा सॉरी, ये एक्स एक्सिस नहीं है, एक्स एक्सिस ही रेड है, ठीक है। तो इसको लाइ जस्ट आप ये बोल दो कि ये इक्वेशन मेरे पास एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो, और ये जो एक्स एक्सिस पास हो रही है, तो इसमें मैं बोलूँगा कि ये मेरे पास एम वन की वैल्यू क्या है बेटा, ज़ीरो है, जबकि एम टू की वैल्यू मुझे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। बोला जा रहा है इन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन रहा है, थीटा क्या बन रहा है, वो फाइंड आउट करके बता दो, ठीक है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा, जैसे करते हुए आएँ, लेट एम वन बी द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, मेरे पास क्या बेटा एन एक्सिस एक्स एक्सिस है, तो एम वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, और दोबारा से लेट करोगे बेटा, लेट एम टू बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन, क्या इक्वेशन मेरे पास बेटा, इक्वेशन दिया हुआ है वाई एक्स माइनस वाई प्लस फोर इक्वल टू ज़ीरो। तो जो मैंने फार्मूला आपको पहले बताया था एम टू का निकालने के लिए, क्या होता है, एम टू बराबर होता है माइनस का कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। दो टर्म्स मेरे पास गिवन है, तो बेटा मैंने एम टू लिखा, माइनस का निशान डाला, कोएफिशिएंट जो है मेरे पास बेटा एक्स, एक्स की कोएफिशिएंट क्या है बेटा, यहाँ पे क्या छुपा हुआ है, वन छुपा हुआ है, तो मैं क्या लिख दूंगा, वन लिख दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, याद रखना ये टू वाई लिखा हुआ है, सवाल है मैंने टू वाई नहीं लिखा, ये टू वाई होगा सवाल है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे वन आ जाएगा, ठीक है, मैंने वन लिख दिया, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई किसके बराबर बेटा, माइनस टू के बराबर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू आ जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे पास दोनों वैल्यूस आ गई, एम वन और एम टू। तो आपको एक फार्मूला मालूम है, जैसे थीटा निकल जाता है, कि टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है बेटा एम टू माइनस एम वन अपॉन क्या होता है मेरे पास, वन प्लस एम वन और एम टू, ये दोनों मेरे पास वैल्यूज़ है, ठीक है। अब क्या करोगे बेटा, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दोगे और देख लो क्या आ रही है मेरे पास। तो मैंने लिखा बेटा टेन थीटा मुझे बराबर होता है एम टू की जो वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है, वन अपॉन टू माइनस का ज़ीरो इक्वल टू फिर वन प्लस एम वन की वैल्यू क्या है बेटा, ज़ीरो, और एम टू की वैल्यू क्या है, वन अपॉन टू, ठीक है, मैंने लिख दिया। उसके बाद क्या आ जाएगा, टेन थीटा मेरे पास बराबर हो जाएगा वन अपॉन टू, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वन, क्योंकि जीरो से कोई टर्म भी मल्टीप्लाई होता है तो मेरे पास क्या आता है, ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। टू ज़ीरो से ज़ीरो हो जाएगा, और फिर जब मैं प्लस करूँगा वन से, तो मेरे पास क्या आएगा, वन अपॉन टू ही आ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, वन अपॉन टू अपॉन वन, जिसको लिखने की ज़रूरत मुझे नहीं है, वन वन को लिखना हो ना लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, टेन थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा वन अपॉन टू के, फिर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, क्योंकि पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट निकाल देंगे टेन इनवर्स, तो थीटा की वैल्यू आपके कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग 26.56 डिग्री आ रही है, और ये वाली जो वैल्यू है बेटा आपका आंसर है। और ये मेरे पास एक तरह का कौन सा एंगल है आपके पास, ये मेरे पास एक एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो ये भी हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरीके से आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सवाल हमने सॉल्व कर लिया, चलो आ जाए इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर। अब हमारे इस क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है बिल्कुल। तो मैंने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा, और मेरे जो मालूम है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2 है। तो पहले क्या कर दो, लेट कर दो और लिखो कि एम वन बी द स्लोप ऑफ लाइन वन, तो मेरे पास लाइन वन की वैल्यू बेटा क्या है, टू एक्स माइनस का थ्री वाई और प्लस का सेवन, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। और इसका अगर स्लोप निकालूंगा कैसे निकलेगा, आपको पता है ना कि एम वन होता है माइनस का कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है नीचे, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है मेरे पास बेटा, टू है, तो मैंने लिखा एम वन माइनस का निशान वैसे डाला, टू लिख दिया, और कोएफिशिएंट ऑफ वाई किसके बराबर बेटा, माइनस का थ्री के बराबर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा मेरे पास, टू अपॉन थ्री, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई एम वन की, यहाँ तक तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को लेट करेंगे, तो लिखना लेट, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, लेट एम टू बी द स्लोप ऑफ लाइन टू
लाइन टू क्या दिया हुआ है एल टू, जिसकी वैल्यू क्या गिवेन है बेटा, गिवेन है सेवन एक्स प्लस फोर वाई और माइनस का नाइन। ठीक है, तो ये मेरे पास सवाल था, इसको मैंने लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसमें भी वही लिखना होगा कि एम टू की जो वैल्यू निकालने जा रहे हैं तो माइनस का को एफिशियंट, ठीक है, माइनस का को एफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय को एफिशियंट ऑफ वाई। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करूँगा बेटा, एम टू लिखूँगा, माइनस लिखूँगा कोफिशियंट ऑफ एक्स, क्या बेटा यहाँ पे सेवन है, और नीचे वाला क्या है बेटा कोफिशियंट ऑफ वाई मेरे पास फोर है, तो मैंने फोर लिख दिया। तो एम टू की वैल्यू क्या आ गई, सेवन अपॉन फोर आ गई। ठीक है, ये दोनों मैंने वैल्यू लिख दिया। अब क्या करोगे, लेट थीटा बीटा एंगल बिटवीन लिखना, लेट थीटा, क्योंकि बेटा एंगल बिटवीन निकालना है, लेट ये लिखा हुआ है सवाल में, फाइंड द एंगल बिटवीन, तो क्या लिखूँगा, लेट थीटा बीटा एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, इक्वीन टू लाइंस, तो लाइन कौन सा है, एल वन है एंड एल टू है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, आपको पता है टेन थीटा जो होता है वो बराबर होता है एम टू माइनस एम वन अपॉन वन प्लस एम वन और एम टू के। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, टेन थीटा लिखना होगा, एम टू की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का सेवन अपॉन फोर, जबकि बेटा मेरे पास माइनस का निशान, एम वन की वैल्यू क्या है टू अपॉन थ्री, और टू अपॉन थ्री हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, नीचे आ जाएगा बेटा मेरे पास वन प्लस टू अपॉन थ्री और माइनस का सेवन अपॉन फोर। ठीक है, तो ये मेरे पास ट्रम बन करके आ गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो टेन थीटा जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा माइनस का सेवन अपॉन फोर। ठीक है, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का टू अपॉन थ्री, नीचे क्या आ जाएगा बेटा वन टू सेवन ज़ा फोर्टीन, तो माइनस का फोर्टीन, थ्री फोर ज़ा कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करूँगा, ट्वेल्व वन ज़ा ट्वेल्व हो जाएगा, और इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, मेरे पास ट्वेल्व आएगा फोर और थ्री का, फोर थ्री का ट्वेल्व होता है। तो क्या हो जाएगा बेटा, टेन थीटा सबसे पहले तो इसका जो एलसीएम आ रहा है ट्वेल्व आ रहा है। ठीक है, फिर एक बड़ा डैश है, ट्वेल्व वन ज़ा क्या हो जाएगा, ट्वेल्व माइनस फोर्टीन अपॉन ट्वेल्व आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख दिया। ऊपर वाली टर्म में क्या करेंगे, ट्वेल्व जो आया वो एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, फोर वन ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, फिर सेवन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री से, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, तो माइनस का क्या आ जाएगा, ट्वेंटी वन आ जाएगा। फिर बेटा माइनस का निशान है, फिर ये मल्टीप्लाई होगा किससे, ट्वेल्व से, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री फोर ज़ा, टू फोर ज़ा कितना होता है एट, तो माइनस का क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा ट्वेल्व से ट्वेल्व क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या वैल्यू बच रही है, मेरे पास टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू मेरे पास बच रही है बेटा माइनस का एट, माइनस का ट्वेंटी वन, माइनस का ट्वेंटी नाइन होता है। ठीक है, माइनस का एट, माइनस का ट्वेंटी वन, माइनस का नाइन, और नीचे क्या आ रहा है बेटा, ट्वेल्व में से फोर्टीन जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, टू बचेगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ट्वेंटी नाइन अपॉन टू आ गई। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टेन इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ट्वेंटी नाइन अपॉन टू, तो मैं इसकी वैल्यू निकाल के बता देता हूँ आपके पास क्या आ रही है। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा बेटा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन इनवर्स की 86.05, ठीक है, डिग्री। तो ये भी मेरे पास क्या है बेटा, एक तरह का एक्यूटी एंगल है, क्योंकि ये भी 90 से क्या है, कम है। चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स आ गया। इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 3.2 एंड मेकिंग एन एंगल, और क्या बना रहे हैं, मेकिंग एन एंगल बना रहे हैं बेटा। लाइन क्या मेरे पास है, एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू टू, ठीक है, तो इक्वल टू थ्री। तो बोला जा रहा है कि एक लाइन है, मैंने इस तरह से एक लाइन बनाया जो कि पास हो रहा है बेटा किसी पॉइंट से, 3.2 के पॉइंट से। ठीक है, ये एल वन है मेरे पास, ठीक है, और एक और लाइन है जो कि आपके पास हो रहा है इसी तरीके से, जिसकी इक्वेशन क्या है बेटा, एक्स माइनस टू वाई और इक्वल टू थ्री। ठीक है, और इसको मैं बोलूँगा कि इसका जो बेटा स्लोप है वो क्या होगा, एम वन होगा, और इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा बेटा, एम टू होगा। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, और फिर उसके बाद इस लाइन की क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, हमें तो, और बेटा इसके अंदर एंगल जो दिया हुआ है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, 45 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या लिख दूंगा, 45 डिग्री लिख दूंगा, एक तरह का एक्यूट एंगल दिया हुआ है मेरे पास। तो चलो आ जाओ, तो सबसे पहले क्या करोगे बेटा, डेटा बनाओगे, डेटा नहीं बनाओगे, सवाल को लेट कर लोगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, सोल्यूशन क्या लिखोगे, लेट मेरे पास जो एम वन है, एल वन लाइन के पास हो रहा है ना, ठीक है, लिखोगे एम वन बीटा स्लोप ऑफ एल वन एंड पासिंग
बच्चों किससे पास हो रहा है बेटा, पास हो रहा है मेरे पास 3.2 से, ठीक है। एंड और इसमें से ये एंगल क्या बना रहे हैं, एंड मेकिंग एंगल, एंगल कितना बना रहा है बेटा, ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री। तो बेटा मुझे एम वन की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो एम वन की वैल्यू निकालने से पहले मुझे एम टू की वैल्यू निकालना पड़ेगा क्योंकि आसान है। फिर लिखना लेट एम टू बी द लाइन ऑफ इक्वेशन वन, इक्वेशन नंबर जो वन दिया, लाइन ऑफ इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई, ठीक है, एक्स माइनस टू वाई और इक्वल टू 3 है, मेरे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि आपने इसका स्लोप निकाल देना है, तो स्लोप निकालने का तरीका क्या होता है, आपको पता है ना कि एम टू जो होगा वो माइनस का कोएफिशिएंट, ठीक है, ऑफ एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम लोग, एम टू लिखा इक्वेशन में 1 है, पहले माइनस में ऊपर 1 और फिर माइनस का 2, तो मेरे पास एम टू की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, प्लस का 1/2। तो एम टू की वैल्यू हमने क्या कर लिया बेटा, फाइंड आउट करके दिखा दिया। इसके बाद क्या होता है, जब ये फार्मूला लग जाएगा, ये सब हो जाएगा, ठीक है, फिर क्या निकालना होगा मुझे एम वन का फार्मूला, क्योंकि एंगल भी गिवन है, एम टू की वैल्यू भी गिवन है, तो मेरे पास एक फार्मूला होता है कि टेन थीटा बराबर होता है बेटा एम टू माइनस एम वन अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, वन प्लस एम वन और एम टू, ठीक है। अब क्या करना होगा, जो जो वैल्यू मालूम है वो लिख दो। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या, डिग्री की वैल्यू 45 डिग्री है, एम टू की वैल्यू क्या बेटा 1/2 है, माइनस का एम वन है, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ, एम वन लिख देता हूँ ऐसे, क्योंकि मुझे एम वन की वैल्यू अभी मालूम नहीं है, हमें इसे क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा। तो चलो आ जाओ लिख कर देखते हैं, और देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो बेटा याद रखना हमेशा इसको प्लस या फिर माइनस में लिखना, ठीक है, प्लस या माइनस। तो यहाँ मेंशन कर देना कि ये क्या है बेटा, प्लस या माइनस है। फिर नीचे क्या लिखूँगा, वन लिखूँगा, प्लस एम वन की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2, सॉरी एम वन वैसी है, एम टू की वैल्यू क्या है मेरे पास 1/2। तो मैंने एम वन बाद में लिख दिया क्योंकि मल्टीप्लाई और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो आ जाओ 10/45 लिखते हैं, 10/45 मेरे पास 1 के बराबर है, किसके बराबर है 1 के, प्लस माइनस ये मैंने वैसे ही लगा दिया, 1/2 मेरे पास क्या हो जाएगा 2m1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस 2m1 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 2 1 2, और सॉरी ये मैं डायरेक्टली प्लस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, प्लस m1 क्या हो जाएगा m/2 हो जाएगा, ठीक है, और इन सब के नीचे 2 लग जाएगा, ठीक है। इस पूरे 2 के साथ ये पूरा 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास क्या बच रहा है, मेरे पास यहाँ पे तो 1 वैसे ही है, प्लस माइनस वैसे ही उधर बच रहा है, और क्या कहेगा 1 माइनस 2 m1, और नीचे क्या आ जाएगा 2 प्लस m1, ठीक है। दोनों में क्या आ रहा है मेरे पास m1 आ रही है वैल्यू। अब क्या करना होगा बेटा, हमें पॉजिटिव साइन इसका लेना होगा, और इससे मुझे क्या निकालना होगा, स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो मैं टेकिंग पॉजिटिव साइन लेता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव साइन को आपने लेना है, तो 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 m1 और 2 है और फिर प्लस का निशान है, फिर एम वन है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आगे चलना होगा, आगे चल के इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो कैसे सॉल्व होगा बेटा, 1 माइनस 2 m1 2 प्लस m1, ठीक है। तो बेटा इसको जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो मेरे पास क्या आ रही है वैल्यू, 2 प्लस m1 इक्वल टू 1 माइनस m1, ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, चूँकि डिवाइड होकर वहाँ गया था, तो मैंने कह दिया 2 प्लस m1 और ये 1 माइनस m1, बेटा m1 का इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 प्लस m1, ये प्लस में तो यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे m1 पहले से था, और ये 2 प्लस में वहाँ के क्या हो जाएगा -1 -2, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 3 m1 बराबर हो जाएगा किसके, माइनस के 1 के। तो m1 की जो वैल्यू है क्या आ जाएगी बेटा, -1/3, तो मैंने क्या लिख दिया, -1/ क्या लिख दिया था 3 लिख दिया। अब क्या करना होगा, इसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना होगा। तो हमारे पास बेटा जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, आपको याद होगा कि जब मेरे पास m1 की वैल्यू आ गई, तो y - y1 बराबर होता है बेटा m1 x - x1, ठीक है। तो y की वैल्यू तो मुझे मालूम नहीं, y1 की मुझे मालूम है। बेटा मैंने m1 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे जो स्लोप की वैल्यू मिली है बेटा वो ये मिली है ना, 3.2 मिली है, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, तो क्या लिख दूंगा यहाँ पे कि x की वैल्यू बेटा मेरे पास 3 है, ठीक है, जबकि y की वैल्यू मेरे पास 2 है, जबकि m1 की वैल्यू मैंने अभी निकाला है, जो क्या है -1/3 आया है, ठीक है। तो ये मैंने पूरी टर्म को क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा,
अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो y1 की वैल्यू क्या है बेटा, 2 इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 1 अपॉन 3, x की वैल्यू x है और x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का 3 है, ठीक है। इसको इधर के मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 2 और इक्वल टू माइनस का 1 x माइनस 3। बेटा आपको समझ में आ रही है ना, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। 3y का क्या होगा, 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू माइनस का x और प्लस का 3, ठीक है। इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो 3y माइनस का x है तो प्लस का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 है, माइनस का इधर के क्या हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ, 3x था ये तो x हो जाएगा, मैंने 4 लिया गलती से। और एक मिनट, इसकी मुझे इक्वेशन बनानी थी तो मैंने थोड़ा सा अलग से टाइप कर दिया बेटा, इक्वेशन बनानी थी ना, तो x और 3 को इधर ले आता हूँ, ठीक है। जस्ट ये कर लो, 3y प्लस का क्या हो जाएगा x, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, 3 भी इधर आ जाएगी तो माइनस का 6 और माइनस का ही 3 इक्वल टू 0। तो बेटा 3y प्लस एक्स किसके आ जाएगा, माइनस के 9। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। हमें इक्वेशन चाहिए थी और हमने क्या कर दिया, इक्वेशन बनाकर दिखा दिया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसके स्क्रीनशॉट क्या कर सकते हो, अगर ले सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सवाल यहाँ पे कंटिन्यू हो जाता है। इसमें एक काम और करना होगा, क्योंकि मेरे पास ये सिर्फ एक इक्वेशन बनकर आया है ना, तो मैंने बुक में देखा मेरे पास दो इक्वेशन है, तो मुझे दो इक्वेशन कैसे निकालना पड़ेगा, ज़रा गौर से देखना। ये देखो मैंने ना इसकी जो साइन थी वो प्लस माइनस में लिया था, ठीक है। तो मैंने प्लस वाले को तो सॉल्व कर लिया, अब माइनस वाले को भी सॉल्व करना होगा, ठीक है। प्लस वाला सॉल्व हो गया, अब माइनस, तो क्या लिखूंगा मैं, टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन ले रहे हैं तो नेगेटिव साइन में क्या होगा बेटा, 10 लिखूंगा, दोबारा से 45 लिखूंगा, यहाँ पे माइनस था ना, माइनस का निशान ले लिया, ठीक है। और माइनस का निशान लेने के बाद क्या हो जाएगा, जो अंदर वाली वैल्यू थी उसको वैसे ही लिख देंगे। तो अंदर क्या वैल्यू थी आपको भी याद होगा, 1 माइनस 2 एम 1 था, और मेरे पास यहाँ क्या था, 2 प्लस एम 1 था, ठीक है। चलो आज निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू, तो 45 तो मेरे पास 1 के बराबर ही होगा, माइनस का निशान, 1 माइनस 2 एम 1 की वैल्यू क्या थी बेटा, एम 1 की जो वैल्यू थी वो मेरे पास, मैंने पूरा इसको सॉल्व करके दिया है, ठीक है। तो बस मुझे क्या करना होगा, m1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। तो 2m1 मैंने वैसे ही लिख दिया, ब्रैकेट में ही डाल के लिखा है अभी, और नीचे 2 प्लस m लिखा है, इसको ले जाकर मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस m1 इक्वल टू माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस का 2m हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो बेटा इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में आके प्लस होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, m1 और m2 है ना, तो प्लस में आके माइनस हो जाएगा, तो 2m1 माइनस का m1, तो मेरे पास क्या बच रहा है बेटा, दो में से एक गया तो m1 बच रहा है, तो m1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3 आ गई, ठीक है। पहले जैसे मैंने कहा था ना, लाइक यहाँ पे m1 की वैल्यू माइनस का 1 अपॉन 3, इसी तरह से ये m1 की वैल्यू 3 आ गई। अब इसको बेटा इक्वेशन के तहत क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। तो इक्वेशन में क्या होता है, x की वैल्यू वही मेरे पास क्या थी पहले, 3 थी, y की वैल्यू मेरे पास 2, और आखिरी जो मेरे पास m1 की वैल्यू आई है अभी 3 आई है। फार्मूला होता है y y1 इक्वल टू m1 और x माइनस x1, ठीक है। तो ये वैल्यू लिखी होती है, y की वैल्यू y हो गई माइनस y1, y1 मेरे पास क्या हो गया बेटा, यहाँ पे जो लिखा हुआ होगा 2 इक्वल टू m1 किसके बराबर है, 3 के, और x किसके बराबर है बेटा, 3 के, और सॉरी x2 वैसे ही डर जाएगा, और x1 किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 3 के, तो माइनस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन बनाना है हमें, तो चलो आ जाओ कर लेते हैं, y माइनस 2 इक्वल टू 3x माइनस का 339। पहले इस वाई टर्म को इधर भी ले आओ, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस का y, सॉरी माइनस का y, क्योंकि माइनस का निशान प्लस है, यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, फिर प्लस का 2 और माइनस का 9, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो 3x माइनस का y, 9 में से 2 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा, 7, ठीक है, 8, 9, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो गया आंसर, पहले इक्वेशन ये निकला, दूसरा इक्वेशन ये लिखा, जिसमें हमने क्या कर लिया, पूरा कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 के लिखा है, डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन। बेटा इसने भी हमें सॉल्व कर लिया इस तरह का सवाल, एक इक्वेशन दिया हुआ है और दो पॉइंट्स दिया हुआ है। तो बेटा इक्वेशन के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले लेट करूँगा कि एम वन है वो क्या है बेटा, बी द स्लोप ऑफ, वो स्लोप है किसका बेटा, लाइन वन, स्लोप ऑफ इक्वेशन। मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन मेरे पास गिवन है बेटा, एक्स माइनस वाई प्लस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है।
ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है और बेटा मैंने इसको एम वन बोल दिया। अब मुझे मालूम है जब भी इक्वेशन गिवन होता है तो एम वन की वैल्यू, स्लोप की वैल्यू कैसे निकालते हैं, माइनस का कोएफिशिएंट, ठीक है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और नीचे क्या आ जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, ये दोनों मैंने टर्म लिख के दिखा दिया। तो एम वन की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बेटा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, वन है, और नीचे कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या, माइनस का वन है, ठीक है, माइनस से माइनस काटा तो एम की वैल्यू क्या आ गई, एम वन की वैल्यू प्लस का वन आ गया, ठीक है, तो ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब बेटा आपने निकालना होगा एम टू की वैल्यू, तो एम टू में क्या करोगे, फिर से लेट करोगे, लेट एम टू बी द स्लोप ऑफ पॉइंट, मेरे पास जो पॉइंट गिवेन है वो क्या गिवेन है, दो पॉइंट गिवेन है, थ्री कॉमा माइनस टू और माइनस टू कॉमा फोर, तो क्या लिख दूंगा, थ्री कॉमा माइनस टू एंड माइनस टू कॉमा फोर। देखो बेटा इतना आसान तरीका था जिसको हमने इतने आराम तरीके से इसको करते जा रहे हैं, पर जब भी दो पॉइंट लिखा हुआ होता है तो उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ठीक है, तो बेटा इसमें वाई टू की सबसे पहले एक्स वन वाई वन और बेटा एक्स टू और वाई टू की वैल्यू कैसे निकलेगी देख करके, ये थ्री हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस का टू हो जाएगा और ये फोर हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब सारी वैल्यू को लिख दो, एम टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई टू की वैल्यू क्या है, फोर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वाई वन की वैल्यू क्या है, टू माइनस का टू तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बेटा एक्स टू की वैल्यू क्या है, एक्स टू की वैल्यू जो है मेरे पास माइनस का टू है, ठीक है, फिर माइनस का निशान माइनस लगा दिया और एक्स वन की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स वन की वैल्यू मेरे पास थ्री है, ठीक है, तो मैंने थ्री लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, सिक्स अपॉन फाइव, तो एम टू की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, सिक्स अपॉन माइनस का फाइव, तो ये मैंने आपको वैल्यू लिख करके दिखा दिया। अब मुझे एंगल निकालना है, तो बेटा थीटा की वैल्यू आपको पता है ना कैसे निकालते हैं, क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं कि एम टू जो है वो माइनस होता है एम वन से और डिवाइड किससे होता है, वन प्लस एम वन एम वन इंटू एम टू, ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं। तो बेटा टेन थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, ये थीटा जो हमें निकालना है फाइनल, एम टू की वैल्यू क्या है बेटा, सिक्स अपॉन फाइव यानी किसका, माइनस का, ठीक है, फिर माइनस का निशान, एम वन की वैल्यू क्या है बेटा, एम वन की जो वैल्यू है वो मेरे पास माइनस का वन है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सॉरी प्लस का वन है, सॉरी टू से ये प्लस का वन था और मेरे पास अभी रेजर नहीं है, ठीक है, तो मैं काम करता हूँ, मैं जस्ट वन लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्लस का क्या आ जाएगा, वन, ठीक है, सॉरी एक काम करता हूँ, मैं इसको लाइन को थोड़ा सा रब कर देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि टेन थीटा जो है वो बराबर होता है बेटा एम टू, एम टू की वैल्यू माइनस का सिक्स अपॉन फाइव और बेटा उसके बाद माइनस का निशान है और प्लस का वन, ठीक है, इस तरह से लिख दिया और नीचे क्या आ जाएगा, वन, फिर प्लस का निशान है बेटा, एम वन की वैल्यू क्या है बेटा, वन, क्योंकि एम टू की वैल्यू क्या है बेटा, सिक्स अपॉन फाइव माइनस का, ठीक है, तो ये वैल्यू निकाल दिया, इसकी सिंपल सी कैलकुलेशन होगी बेटा, तो इसकी पूरी कैलकुलेशन करना और कैलकुलेशन करने के बाद मुझे बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है, जब इसकी वैल्यू निकल जाएगी तो मुझे बताना है इसकी क्या आ रही है, ताकि कमेंट में पता चले ना कि आप इसको सॉल्व कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ठीक है, तो इसके स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो और इसको सॉल्व करने के बाद मुझे बताना, चला आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर नाइन का पार्ट वन आ गया, देखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन, इंटरसेक्शन ऑफ लाइन है, दो लाइन दिया हुआ है, मतलब एक लाइन यू जा रहा है, एक लाइन यू जा रहा है, ठीक है, L1 कह दिया मैंने इसको, इसको मैंने L2 कह दिया और कहा जा रहा है बेटा इससे क्या निकालना है आपको, आपने निकालना है इसकी वैल्यू, इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है, तो बहुत आसान है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लेट कर लोगे और लेट करने के बाद लिखोगे लेट L1 जो है बेटा हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, तो मैं क्या लिखूंगा, L1 जो है वो किसके बराबर है, 2x plus 3y plus का 1 equal to 0, उसी तरीके से बेटा मैं लिख कर लूंगा लेट L2 जो है वो क्या है मेरे पास, 3x माइनस का 4y इक्वल टू 5 है, ठीक है, अगर 5 है तो इसको इक्वल टू से पहले लिख दो तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है, मैंने आपको दोनों सॉल्व करके दिखा दिया। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है ईच अदर लाइन 1 एंड लाइन 2, तो हम बेटा इसको क्या कर सकते हैं, इसमें एक अल्फाज लिख सकते हैं, द लाइन पासिस, यहाँ लिख देना द लाइन डेट पासिस, जो लाइन है वो क्या हो रहा है बेटा, पास हो रहा है, किससे हो रहा है हमारे पास, थ्रो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, द लाइन है वो पास हो रहा है थ्रो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से इंग्लिश में वर्डिंग लिख लेना, ठीक है, ऑफ टू
लाइंस ऑफ टू लाइंस, ठीक है, मेरे पास टू लाइंस है एल वन एंड एल टू है, ठीक है, लिखा हुआ है द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन एल वन एंड एल टू, ठीक है, और मेरे पास की कंडीशन क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन एज वी नो दैट हमारे पास क्या होता है बेटा, एल वन प्लस के एल टू इज इक्वल टू द जीरो, जब दो इक्वेशंस दिए हुए हों तो उसको सॉल्व करने का क्या होता है, एस वी नो दैट हमें मालूम है कि एल वन प्लस के एल टू हमारे पास कितने बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, तो एल वन की वैल्यू क्या है मेरे पास, एल वन की वैल्यू बेटा टू एक्स प्लस का थ्री वाई और प्लस का वन, जो कि क्या हो रहा है बेटा मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, प्लस के करके, एल टू की वैल्यू क्या है थ्री एक्स माइनस का फोर वाई और माइनस का फाइव इक्वल टू जीरो, बेटा सबसे पहले हमें के की वैल्यू क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, तो के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे पास मुझे मालूम है पॉइंट्स, तो पॉइंट्स की वैल्यू क्या दिया हुआ है टू कॉमा वन, तो मैं बोलूँगा वी हैव, हमारे पास है क्या चीज़ है बेटा कि x की वैल्यू टू है एंड y की वैल्यू क्या है बेटा वन, x की वैल्यू टू है और y की वैल्यू वन है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो हम क्या कर देंगे इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, तो मैं लिखता हूँ टू और x की जगह क्या आ जाएगा बेटा टू, तो मल्टीप्लाई बाय टू, फिर प्लस का निशान, फिर थ्री, y की जगह क्या आ जाएगा बेटा वन, फिर प्लस वन, ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया, फिर प्लस का निशान आ गया k, फिर थ्री लिखा, मल्टीप्लाई किससे होगा बेटा, मल्टीप्लाई होगा मेरे पास ये फिर से x, x इज अ टू, फिर माइनस का निशान फोर होगा जो कि मल्टीप्लाई होगा किससे, y, y इज इक्वल टू वन, बेटा माइनस फाइव लिखा हुआ मैंने वैसे ही लिख दिया और इक्वल टू क्या कर दिया जीरो कर दिया, बहुत सिंपल सा और आसान सा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो टू टू तक क्या हो जाएगा फोर और थ्री वन जा कितना हो जाएगा बेटा थ्री वन जा थ्री और वन, ठीक है, ये वाली टर्म आ गई प्लस का k जो कि मल्टीप्लाई होगा थ्री टू जा सिक्स फोर वन जा फोर और माइनस का फाइव, ठीक है, तो ये टर्म मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया दिखा दिया बेटा, इन सबको प्लस कर लो क्या हो जाएगा फोर प्लस थ्री सेवन, सेवन प्लस वन सेवन, ठीक है, सॉरी एट, फोर प्लस थ्री सेवन और सेवन प्लस वन एट होता है मेरे पास, तो मैंने एट लिख दिया, प्लस का निशान डाला और बेटा के को जब इसको माइनस करो के माइनस फोर इज इक्वल टू और फिर उसको माइनस करोगे फाइव से तो मेरे पास क्या वैल्यू आएगी बेटा माइनस का थ्री आ जाएगी, ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है माइनस का थ्री, तो बेटा माइनस का थ्री हमारे के डिवाइड हो जाएगा के साथ मल्टीप्लाई है, तो मेरे पास के की पहले तो एट को उठा के उधर ले आओ, ठीक है, माइनस का जो थ्री है ना माइनस का थ्री ये के को उठा के उधर ले गया तो क्या हो गया माइनस का एट हो गया, ठीक है, अब इस थ्री को जाकर डिवाइड कर दो तो मेरे पास बेटा के की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का एट और माइनस का थ्री वैल्यू कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास एट अपॉन थ्री आ गई, ठीक है, अब k की वैल्यू जो आई है ना 8 अपॉन 3 इसको क्या करेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, किसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो चलो आ जाओ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, क्योंकि इक्वेशन बनाना है तो इक्वेशन बनाने के लिए इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास ये है, तो क्या लिखता हूँ 2x लिखता हूँ प्लस 3y लिखता हूँ और प्लस का 1 लिखता हूँ, ठीक है, प्लस का निशान ये k लिखा हुआ है, k की जगह क्या आ जाएगा 8 अपॉन 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस का 4y और माइनस का 5 इक्वल टू जीरो, बेटा 3 इधर डिवाइड कर दो वहाँ के मल्टीप्लाई कर दो ताकि क्या हो जाए मेरे पास एक तरह से सीक्वेंस बन जाए, तो इधर ये आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 3 2x प्लस का 3y और प्लस का 1, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा प्लस का 8 3x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू जीरो और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, बेटा 3 को जाकर वहाँ पर डिवाइड कर दो तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा 3 2x प्लस का 3y और प्लस का 1 प्लस का 8 3x माइनस का 4y माइनस का 5 इक्वल टू 0, अब क्या करना होगा बेटा मल्टीप्लिकेशन करना होगा एक दूसरे तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके बस इक्वेशन का आंसर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 3 टू जाए मेरे पास क्या होता है 6x होता है, फिर 3 3 जाए क्या हो जाता है मेरे पास 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 लिखा हुआ है 3 3 जाए 9 तो प्लस का 9y और 3 1 जाए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 8 3 जाए मेरे पास कितना होता है बेटा 24 24x हो जाएगा, 84 था मेरे पास कितना होता है बेटा 32, तो माइनस का 32 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 85 था कितना होता है 40 32y होगा, ठीक है, इक्वल टू 0, मेरा इन सबको इक्वेशन बना के लिख दो, पहले x वैल्यू 34 प्लस 6 तो मेरे पास किसके बराबर होता है 30x के बराबर होता है, ठीक है, 9 प्लस माइनस का 32 तो मेरे पास माइनस का 23y होता है और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस का 40 तो 37 हो जाएगा, माइनस का 37 और ये मेरे पास क्या है गिवन इक्वेशन है जिसको हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया सॉल्व कर लिया, अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, ये आपके पास सवाल है पूरा।
ठीक है, तो चलें आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरे पास पार्ट टू आ गया। पार्ट टू भी सेम वही है, देखो दो इक्वेशन बनी हुई है और क्या लिखा हुआ है, ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद जो सवाल जो बिल्कुल अलग होंगे ना उसको सॉल्व करेंगे, जो एक जैसे सेम सवाल होंगे ना उसके आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो इस वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा लेट कर लेते हैं कि L1 की वैल्यू क्या है। L1 की वैल्यू बेटा x माइनस फोर वाई इक्वल टू थ्री। ठीक है बेटा, L2 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास, x प्लस टू वाई इक्वल टू नाइन। ठीक है, और आप यहाँ करना होगा लेट कर देना होगा। ठीक है, लेट कर लो, दिस बोथ आर द इक्वेशन ऑफ लाइन वन एंड लाइन टू विच आर पासिस एंड विच आर इंटरसेक्ट विच ईच अदर। ठीक है, तो जो आपने लास्ट टाइम लिखा था क्वेश्चन में वही चीज़ आप लिख सकते हो, द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। लिख देना द पॉइंट passes through, क्या लिखा था मैंने लास्ट टाइम, जो वर्डिंग लिख रहा हूँ वही लिख देना, द लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये वाली अल्फाज ना पूरा लिख लेना, जैसे लिखा हुआ है ना, तो क्या हो जाएगा आपके पास ना वो हो जाएगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा देता हूँ एज वी नो डैट से। ठीक है, एज वी नो डैट हमें मालूम है कि किस तरीके से ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है बेटा, L1 जो होता है वो प्लस होता है के L2 के साथ, जो कि बराबर होता है जीरो के। ठीक है, तो L1 की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, L1 की वैल्यू है x माइनस फोर वाई और प्लस का थ्री है, तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का थ्री। ठीक है, उसी के साथ साथ प्लस का k लिखा और L2 की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस टू वाई, ये प्लस का नाइन इक्वल टू के बाद क्या क्या हो जाएगा माइनस का नाइन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। अब क्या करना होगा, जो मेरे पास पॉइंट गिवन है ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है जीरो कॉमा जीरो, तो मैं क्या लिखूंगा, जो मेरे पास x की वैल्यू है वो क्या है जीरो और y की वैल्यू क्या है बेटा जीरो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह जीरो पुट कर दूंगा, माइनस फोर वाई की जगह फिर से जीरो पुट कर दूंगा और माइनस का थ्री, फिर प्लस लिखूंगा k, x की जगह जीरो प्लस टू वाई की जगह जीरो और माइनस का नाइन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा बेटा, यहाँ पे सिर्फ माइनस थ्री बचेगा, जीरो कैंसिल आउट, ये जीरो से जीरो मल्टीप्लाई, तो माइनस का थ्री बचा, प्लस का k, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास आखिर में क्या बचेगा, माइनस का नाइन बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, इसको जाकर डिवाइड करवा देते हैं, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, नाइन नीचे जाएगा तो माइनस थ्री अपॉन माइनस नाइन, कैंसिल आउट कैंसिल आउट, थ्री वन ज़ा थ्री, थ्री थ्री ज़ा नाइन, तो बेटा k की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, k की वैल्यू आ जाएगी वन अपॉन थ्री। तो ये मेरे पास k की वैल्यू आ गई। अब क्या करना होगा, इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर देना होगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है x माइनस फोर वाई, तो लिखूंगा x माइनस फोर वाई माइनस का थ्री प्लस का निशान, k की वैल्यू क्या है बेटा वन अपॉन थ्री, एक्स प्लस टू वाई माइनस का नाइन और इक्वल टू जीरो। बेटा थ्री को जाकर डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दो, ये डिवाइड हो रहा था, तो क्या हो जाएगा थ्री एक्स माइनस फोर वाई माइनस का थ्री प्लस का वन, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस टू वाई माइनस का नाइन और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, सबके नीचे थ्री आ जाएगा इक्वल टू जीरो। कोई भी टर्म बेटा डिवाइड में होता है तो मल्टीप्लाई होगा जीरो से जीरो ही आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, थ्री एक्स क्या हो जाएगा थ्री एक्स, सब में इम्प्लाइज डेट का निशान होगा। ठीक है, फिर माइनस का थ्री फोर का कितना होता है बेटा ट्वेल्व वाई और थ्री थ्री का कितना होता है माइनस का नाइन, फिर प्लस का बेटा एक्स, फिर टू वाई और माइनस का नाइन इक्वल टू जीरो। बेटा थ्री एक्स है, प्लस का थ्री और एक्स है, तो मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, ये फोर एक्स के बराबर होता है, माइनस का ट्वेल्व वाई और प्लस का टू वाई, तो मेरे पास किसके बराबर होगा बेटा माइनस के टेन वाई के, माइनस के नाइन माइनस के नाइन तो माइनस का एटीन। ये मेरा क्या होगा बेटा, इस सवाल का जवाब होगा, जो कि हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। एक सवाल इस जैसा इसलिए मैंने करवा दिया ताकि क्या हो सके, आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन हुई होगी तो कन्फ्यूजन क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, चलो आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो बेटा हमारे पास थर्ड पार्ट आ गया, लिखा हुआ है दो इक्वेशंस दी हुई हैं और तीसरी जो इक्वेशन है बेटा वो पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमें यह करना होगा दो इक्वेशन को जिस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं इसी तरह से सॉल्व करेंगे एंड थर्ड इक्वेशन को एज अ पैरेलल ले लेंगे उसके। ठीक है, मतलब दो पॉइंट जो है वो एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हो और एक क्या आपके पास उसका पैरेलल है। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आपको मालूम है कि लेट कर लेना है आपको कि आपके पास L1 की जो वैल्यू हो क्या है थ्री एक्स प्लस का टू वाई और इक्वल टू एट, जबकि बेटा मेरे पास L2 की जो वैल्यू हो क्या लिखा हुआ है बेटा फाइव एक्स माइनस का अलेवन वाई और प्लस का वन। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज गिवन है इसके अंदर, लेकिन इसका आपके आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, ये इक्वल टू एट है और ये फाइव एक्स माइनस अलेवन प्लस वन इक्वल टू क्या है बेटा जीरो है। ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू दिया हुआ है, जबकि इक्वेशन नंबर जो थ्री दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है सिक्स एक्स है प्लस थर्टीन वाई है
और इक्वल टू 25 है, ठीक है। इन सबको अरेंज करके लिख लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 3x प्लस का 2y और माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये वही रहेगा 5x माइनस का 11y और प्लस का 9 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस का 13y और माइनस का 25 इक्वल टू 0। सबके मैंने कॉन्स्टेंट टर्म को इक्वल टू के बाद लेकर आ गया। पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, नॉर्मल टर्म है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो आप क्या करोगे, आपको मालूम है एज वी नो डैट L1 और KL2 एक दूसरे के बराबर होता है, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, और 0 के बराबर भी होगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा, ठीक है। तो L1 की वैल्यू क्या ये है, तो क्या लिखूंगा, 3x प्लस का 2y माइनस का 8, ठीक है। फिर प्लस का निशान K लिखूंगा, और L2 की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 11y और प्लस का 9 इक्वल टू 0। देखो कितने आराम तरीके से हो गया। अगर बेटा वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि बेल के आइकन को क्लिक करोगे तमाम इन्फॉर्मेशन आएगी, और मेरे पास क्या होगा, मुझे भी आपको सॉल्व करवाने का दिल करेगा, अगर आप कमेंट करके बताओगे कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, ठीक है। तो क्या हो गया, 3x प्लस 2y माइनस 8 वैसे ही लिखा, और प्लस का क्या है बेटा, के है, तो प्लस लिखा। अब मुझे क्या करना होगा, इस के को मल्टीप्लाई कर देना होगा, के 5, क्योंकि मेरे पास कोई ओरिजिन की वैल्यू है नहीं और कोई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू इसमें गिवन नहीं है, तो के को मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, 5kx आ जाएगा। 11 को मल्टीप्लाई करोगे 11ky आ जाएगा, और प्लस 9k आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0। बेटा एक्स वाई टर्म को एक्स के साथ लिख लो, वाई वाई टर्म को वाई के साथ लिख दो, तो क्या हो जाएगा, 3x, ये क्या आ जाएगा, प्लस का 5kx आ जाएगा, ये प्लस का 2y है, इसको अरेंज करके लिख देता हूँ माइनस के 11xy के साथ, ठीक है, सॉरी 11ky के साथ, ठीक है। मैंने क्या करा, एक्स वाई टर्म को एक साथ रखा, वाई वाई टर्म को एक साथ रखा, आखिरी में क्या लिखा बेटा, प्लस का 9k और माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो गया, 0, ठीक है। अब इन दोनों में से बेटा मैं x को कॉमन निकाल लेता हूँ, x कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 प्लस 5k, ठीक है। इन दोनों में से मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो y कॉमन ले लूँगा और क्या बचेगा, 2 माइनस 11k, जबकि मेरे पास आखिरी में क्या बचेगा, कुछ कॉमन नहीं लूँगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, 9k माइनस 8, क्योंकि यहाँ पे इसके अलावा और कोई चीज़ बची नहीं रही है। एक बार देख लेता हूँ सवाल में, कि k को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 ही आएगा, 9 नहीं है बेटा, ये 1 है, सॉरी, ये मेरे पास क्या है, 1 है, और मैंने गलती से क्या लिख दिया, 9 लिख दिया, ये ऊपर भी सवाल में भी 1 ही लिखा हुआ है, तो ये 1k होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा बेटा, 1k होगा, ठीक है, क्या होगा, 1k, और 1k को शो नहीं करते हैं, सिर्फ k शो करते हैं, तो माइनस का क्या बचेगा, 8, और प्लस का क्या बचेगा, k, तो इस तरीके से मैंने लिख दिया, माइनस का 8 को पहले लिख दिया, k को बाद में लिख दिया, 1 का k लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ k लिख दोगे तो काफ़ी है, ठीक है। तो ये मेरे पास 1 है, ठीक है, हर जगह 1 था, और गलती से मेरे पास क्या लिखा गया था, मैंने उसको वो कर दिया था। खैर, यहाँ तक हो गया, ये मेरे पास एक तरह की इक्वेशन हो गई 0 के बराबर। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें ना इसका ना वो निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, ठीक है, इसका स्लोप और इक्वेशन नंबर 2 का स्लोप एक दूसरे से इक्वल, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलल। तो पैरेलल कंडीशन क्या कहती है बेटा, आपको याद होगा, पैरेलल कंडीशन कहती है पैरेलल कंडीशन में जो क्या कहती है, M1 बराबर होता है बेटा M2 के। तो M1 क्या है बेटा, स्लोप है, किस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दो, 1 दे दो, क्योंकि इक्वेशन का नाम तो दिया नहीं था ना, तो लिख देना, लेट M1 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 का इसका ये स्लोप है, एंड M2 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, इसको भी इक्वेशन नाम दे दो, आखिरी वाला, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसको इक्वेशन 1 बोलो, तो इसको इक्वेशन क्या बोल देता हूँ, 2 बोल देता हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 के पैरेलल होगा। तो M1 इस इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का बेटा क्या होता है, आपको याद होगा, निकालने का तरीका क्या होगा, माइनस का कोएफिशिएंट, आपने क्या करना होता है, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, जो कि इक्वल होगा माइनस के कोफिशियंट, क्योंकि M1 लिखा हुआ है M2, तो M2 निकालने के लिए भी वही फॉर्मूला लगेगा, माइनस का कोफिशियंट ऑफ x अपॉन कोफिशियंट ऑफ y, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, टर्म हो जाएगा, जो कि मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब क्या होगा, कोफिशियंट ऑफ x जो है बेटा, वो क्या है, ये है, तो मैंने क्या लिखा, माइनस का निशान डाला, 3
प्लस 5k, जैसे लिखा हुआ था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। 3 प्लस 5k और माइनस का निशान है तो ब्रैकेट में लिखूंगा। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कोफिशियंट ऑफ वाई, कोफिशियंट ऑफ वाई क्या है बेटा, 2 माइनस 11 और k, ठीक है। इक्वल टू का निशान, m1 बराबर होता है m2, तो m2 का माइनस का कोफिशियंट, m2 क्या है मेरे पास ये, तो माइनस एक्स मतलब 6, माइनस का 6 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा, 13 आ जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो वाई के अकॉर्डिंग पे तो वैसे ही काम कर रहा हूँ, ठीक है। 13 को इधर ले आओ, डिवाइड उधर यहाँ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 13 मल्टीप्लाई बाय बेटा क्या होगा, 3 प्लस 5k, और यहाँ पे क्या होगा, 6 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस 11k, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। तो मेरे पास क्या होगा, 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास 39 आएगा, और अगर 13 को 5 से करोगे तो क्या आएगा, 65k आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 2s 12 हो जाएगा, और 6 11s 66k आ जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास बन करके आ गई। अब बेटा क्या करते हैं, इसको उठा के डले आते हैं, उसको उठा के उधर ले जाते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 39 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, प्लस का, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 12, ये माइनस का 66k है, इसको उठा के डले जाए तो माइनस का क्या हो जाएगा बेटा, 65k हो जाएगा, ठीक है। प्लस का तो यहाँ पर माइनस हो गया। अब क्या हो जाएगा, अगर मैं 39 में से क्या माइनस कर दूं बेटा, 12 माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, 27 बचेगा ना। अगर मैं 13 में से 12 को माइनस करता हूं, तो ये 2 में से 1 जाएगा 7 और 1 में से 2 27, ठीक है। 27 और 66 में अब मुझे क्या प्लस करना है, 55 प्लस करना है, तो यहां पे प्लस करके देख लो, 66 और 65, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 11, ये 6 12, 12 1 13, तो 131 हो जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 131k, लेकिन किसका, माइनस का। अब बेटा इसको नीचे ले जाओ, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 27 अपॉन 131, क्योंकि ये नीचे चले गया, तो k की वैल्यू मेरे पास फाइंड आउट होकर के आ गई। बेटा जैसे ही k की वैल्यू फाइंड आउट होगी, आपको कहाँ पुट करना होगा, उसको इक्वेशन नंबर, आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर लो और इसका आंसर ले आओ, ठीक है। k की जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 27 अपॉन 131। तो मैं काम करता हूँ, यहीं पर लिख कर दिखाता हूँ, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, मैंने x लिख दिया, फिर उसके बाद क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस बेटा 5 लिखा हुआ है, 5 लिखा, और उसके बाद k की वैल्यू क्या है, माइनस 27 अपॉन 131, ठीक है। यही टर्म मैंने लिख दिया, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पर, ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद कौन सा निशान है, प्लस का निशान है, मैंने प्लस लगाया, वाई लिखा, कर्ली ब्रैकेट लगाया, 2 माइनस 11 के, तो 2 लिख देता हूँ, ठीक है, माइनस लिखता हूँ, 11 लिखता हूँ, k की जगह क्या आ जाएगा, माइनस 27 अपॉन 131, ठीक है। और आखिरी में क्या बच रहा है, माइनस का 8 प्लस k, तो क्या लिखूंगा, माइनस का 8 लिखूंगा यहाँ पे, और k की जगह क्या आ जाएगा बेटा, माइनस का 27 अपॉन 131 और इक्वल टू 0। ये अब हमारे पास बेटा पार्ट 4 आ गया, लिखा हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। जब पैरेलल टू y एक्सिस बोला जाएगा तो y की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी, ठीक है। तो वो लाइन जो कि एक्सिस को टच ना करें, वो मेरे पास क्या होता है, पैरेलल, मतलब एक लाइन और दूसरी लाइन उसकी क्या होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशन थी, उसी कंडीशन के तहत लिखोगे, लेट कर लोगे कि आपके पास क्या है बेटा, L1 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है 2x माइनस 3y और प्लस के 4 इक्वल टू 0। उसी तरह से बेटा L2 की वैल्यू क्या है, 3x प्लस 3y और माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। दो टर्म्स मेरे पास थी, दोनों टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख दिया। पैरेलल टू y एक्सिस है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन y क्या है मेरे पास, 0। पैरेलल टू लिख देता हूँ, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस के पैरेलल है, दैट्स वाई हमारे पास y किसके बराबर है, 0 के बराबर है, ठीक है। कंडीशन आपको पता है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एज L1 प्लस के L2 किसके बराबर होता है, 0 के। तो L1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 2x माइनस का 3y प्लस का 4, ठीक है, प्लस का निशान k, और फिर L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x प्लस का 3y माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है। यही टर्म को मैंने आपको लिखकर दिखा दिया। अब क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो 2x माइनस का 3y प्लस का 4 प्लस का 3kx प्लस का 3yk और माइनस का 5 इक्वल टू 0, जितने भी x y टर्म है उसको एक साथ लिख लो, तो क्या आ जाएगा, 2x और प्लस का 3kx, ठीक है। यहाँ पे क्या बच रहा है बेटा, माइनस का 3y और प्लस का 3
वाई के, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 और प्लस का क्या हो जाएगा 4, ठीक है। माइनस का 5 और प्लस का 4, देख लेता हूँ एक मिनट रुको, प्लस का 4 है माइनस का 5, तो यहाँ पर ऐसे ही लिख देना इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक तो हमें कोई मसले की बात अभी तक नहीं है। तो ये हो गया मेरे पास, मेरे ये मेरा 5k हो जाएगा, क्योंकि 5k भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 5k हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने टर्म आपके सामने लिख करके क्या कर दिया था, दिखा दिया। तो ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। मेरा इन दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 + 3k, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा 2 + 3k आ जाएगी वैल्यू इसकी। फिर उसके बाद क्या होगा, इन दोनों से माइनस का बेटा क्या कॉमन आ रहा है, वाई, तो क्या बचेगा 3 + 3k, ठीक है, 3 - 3k, ठीक है, माइनस का 3k, जो माइनस कॉमन आया था। फिर माइनस का बेटा 5k + 4 मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। अब क्या करना होगा मुझे, k की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। किसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, k की वैल्यू को। तो k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, जो मेरे पास y वाली टर्म होगी ना उसको कंपेयर कर लूँगा, लाइक इस तरह से माइनस का y जो है और क्या लिखा हुआ है 3 - 3k जो लिखा हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, ठीक है। क्योंकि मेरे पास y एक्सिस क्या था, 0 था, तो मैंने क्या इन दोनों को 0 लिया, y डिवाइडेड मारा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा, माइनस का 3k इक्वल टू 0। बेटा माइनस का 3k को उधर ले जाओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 3k, और 3 को नीचे ले जाओ 3 / 3, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो k इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 1 बन करके आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब बेटा k की वैल्यू जब 1 आई है, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके एक इक्वेशन बना लेता हूँ। तो क्या लिख दूंगा, मैं लिखूंगा x 2 + 3 और k की जगह क्या आ जाएगा 1, ठीक है। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस का y, फिर 3 लिखा हुआ है, माइनस का 3 और k की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर माइनस का 5 मल्टीप्लाई बाय k की जगह 1 और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x प्लस क्या आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2x प्लस 3 × 1 = 3 और 3x हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई भी कर दिया है। माइनस का 3y हो जाएगा, माइनस का 3y, 3 × 1 = 3 और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 3y, ठीक है, माइनस का 3y और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3y, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू आएगी। फिर क्या हो जाएगा, माइनस का निशान बेटा 5 × 1 = 5 और प्लस का 4 = 0। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा मेरे पास 2x हो जाएगा, ठीक है, और 3x किसके बराबर होता है, 5x के बराबर होता है, ठीक है। माइनस का 3 प्लस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या बचेगा बेटा, 5 में से 4 जाएगा तो माइनस का 1 = 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन बनकर आएगी बेटा ये आएगी, जिसको हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हमारे पास नेक्स्ट मतलब पार्ट 5 आ गया। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 इक्वेशंस दी हुई हैं और तीसरी इक्वेशन में क्या कहा गया, वो उसके परपेंडिकुलर है। तो मैं बोल देता हूँ, लेट कर देता हूँ कि L1 की वैल्यू क्या बेटा, 5x माइनस का 6y माइनस के प्लस के यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 = 0। जबकि L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3x प्लस का 2y और प्लस है 5, तो प्लस 5 ही रहेगा और इक्वल टू 0। जबकि बेटा L3 जो होगा मेरे पास वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके, अगर मैं इसको सही तरीके से लिख दूँ, इसको इक्वल टू के बाद ले जाऊँ, इसको भी इक्वल टू के बाद ले जाऊँ, तो मेरे पास क्या होगा, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 5y हो जाएगा और ये तो यहाँ पे था, तो प्लस का क्या हो जाएगा, 11 = 0, ठीक है। इसको मैंने क्या करा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया। ये दोनों क्या है, इसके पैरेलल है, ये दोनों जो टर्म है वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसके लिए जो कंडीशन थी, एज वी नो दैट, हमें मालूम है, इससे पहले हमने बहुत दफ़ा निकाल लिया, एज वी नो दैट, हमें मालूम है कि L1 एंड L2, ठीक है, ये दोनों इक्वेशंस हमें दी हुई थी, किसके बराबर होता है बेटा, L1 + L2, जो कि क्या होता है, k से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। k पहले लिख दो तो बात एक ही है, ठीक है। पहले L1 की वैल्यू लिखूंगा, L1 की वैल्यू क्या है, 5x माइनस 6y माइनस का 11, ठीक है, प्लस का निशान पर k। L2 की वैल्यू क्या है बेटा, L2 की वैल्यू है 3x प्लस का 2y और प्लस का 5 = 0, ठीक है। ये टर्म मैंने आपके सामने लिख के दिखा दिया। अब मल्टीप्लाई कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 5x माइनस 6y माइनस का 1 प्लस k को 3 से करोगे तो क्या आ जाएगा, 3kx आ जाएगा प्लस 2ky आ जाएगा प्लस k5 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 5k इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब बेटा x वाई टर्म को एक साथ लिख दो तो 5x प्लस का क्या हो जाएगा, 3kx हो जाएगा, फिर प्लस का 2ky है और माइनस का क्या बेटा, 6y है,
और फिर मेरे पास क्या लिखा था, प्लस का 5k है और माइनस का क्या है 1 = 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, x कॉमन आया 5 + 3k। बेटा इसमें से कॉमन क्या आएगा, y कॉमन आएगा तो क्या बचेगा 2k - 6। और बेटा यहाँ से कॉमन कुछ नहीं आ रहा तो 5k - 1 मैंने क्या कर दिया, वैसे ही लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे दिया, 1 का नाम दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, ये वाली टर्म है, ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देना, 2 दे देना। तो यहाँ पे लिखना m1, आपने क्या किया, लेट किया है m1 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का स्लोप ये है, एंड m2 बी द स्लोप ऑफ इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है बेटा मेरे पास, इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है। तो बेटा हमारे पास फार्मूला मुझे मालूम है और आपको भी मालूम है कि जब भी हमें m1 की निकालने होती है वैल्यू, याद रखना परपेंडिकुलर, याद रखना इसकी कंडीशन, आपको एक और बताऊंगा। m1 की वैल्यू निकालना है इसके इक्वेशन के, तो क्या होगा, माइनस का कोएफिशिएंट, ठीक है, क्या होता है मेरे पास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, यही होता है ना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो मैंने m1 लिख दिया, माइनस का निशान लगा, कॉस, कॉस की वैल्यू, सॉरी कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, एक्स, एक्स क्या है मेरे पास 5 + 3, तो क्या लिख दूंगा 5 + 3, तो 5 + 3k, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा ब्रैकेट डाल के, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, कोएफिशिएंट ऑफ वाई क्या है 2k - 1, तो क्या लिख दूंगा 2k - 6, ठीक है, 1 नहीं है, माइनस का 6 है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने आपको क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब हमें थोड़ा सा इसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होगी, ठीक है। चलो आ जाओ कोशिश कर लेते हैं, मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, मेरे पास m1 की वैल्यू ये आ गई, अब m2 निकालना है, ठीक है। m2 में भी मेरे पास क्या कंडीशन लगी है, वही कि को माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है, ये दोनों कोएफिशिएंट हैं मेरे पास। इक्वेशन नंबर 2 के लिए करना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 3, तो मैं लिखूंगा माइनस का निशान डाल के 3, और बेटा नीचे 5 की वैल्यू क्या, माइनस का 5 है, तो क्या लिख दूंगा माइनस का 5, कैंसिल आउट हुआ, तो m2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या आ गई, m2 की वैल्यू मेरे पास 3/5 आ गई। तो दोनों वैल्यू आ गई है मेरे पास 3/5 करके और ये वाली वैल्यू करके, ठीक है। और आपको मालूम है जब भी कोई टर्म मेरे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, पता है ना आपको, परपेंडिकुलर जब भी होता है तो वो किसके बराबर होता है बेटा, परपेंडिकुलर के m1 m2 = -1, ये होता है हमारे पास लिखने का सही तरीका जब भी हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके इसे वो दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसको आगे सॉल्व करना होगा और देखना होगा ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने लिखना होगा कि m1 बराबर है m2 के, सॉरी m2 = -1, तो m1 की वैल्यू लिखूंगा, m2 की वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, और -1 लिख दूंगा। तो मैं इसको यहीं पर लिख देता हूं, ठीक है, शायद मेरे पास यहां पे काम हो जाए। तो m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, इसको ज़रा सेट कर लूं, ठीक है। m1 की वैल्यू क्या आई है बेटा, ये बड़ी सी वैल्यू आई है, ठीक है, इस बड़ी सी वैल्यू को लिख देते हैं माइनस का 5 + 3k, ठीक है, ब्रैकेट में, और नीचे वाली टर्म क्या आ जाएगी 2k - 6, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई हो रही है वाली टर्म, किससे मल्टीप्लाई हो रही है बेटा, ये वाली मल्टीप्लाई हो रही है दूसरे वाली टर्म से 3/5 से, ठीक है, जो कि बराबर किसके, माइनस के 1 के, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या करना होगा, बहुत आसान, आपने एक एक करके इसकी वैल्यू को लिख देना। अब सिंपली हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। माइनस का 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा, मेरा 15 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस और 3 का कितना होता है 9, तो क्या आ जाएगा माइनस का 9k, ठीक है। उसी तरीके से नीचे लिख देते हैं 2k 5 से क्या हो जाएगा 10k हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 6 5 से कितना होता है 30 और = -1, ठीक है। इसको उठा के उधर ले जाओ, तो माइनस का 15 माइनस का 9 और k और माइनस का 1 जो कि मल्टीप्लाई होगा 10k माइनस के 30 से, ठीक है। तो माइनस का 15 माइनस का 9k बराबर हो जाएगा बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10k माइनस का और माइनस माइनस प्लस का 30, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वैल्यू थी वो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब बेटा ये टर्म हो गई, अब k की वैल्यू निकाल लो। तो बहुत आसान तरीका होता है k की वैल्यू निकालने का, वो क्या तरीका होता है, ये k इधर ले आओ, तो माइनस का तो प्लस का 10k हो जाएगा,
तो मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला था। चलो आज के की वैल्यू निकालते हैं। माइनस प्लस का 10 हो गया, ये माइनस का 9 के वैसे ही था, इक्वल टू 30 था। ये प्लस का तो माइनस का तो वहाँ के क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10K की वैल्यू। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 10 में से 9 जाएगा तो क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 9K बचेगा। ठीक है, 9K, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ K बचेगा। ठीक है, और 10 प्लस 15 किसके बराबर होता है, 45 के। तो K की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 45 आ गई। अब इस 45 की वैल्यू को जहाँ जहाँ K होगा ना, वहाँ वहाँ वैल्यू क्या कर दोगे, पुट कर दोगे और बता दोगे इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्या हो जाएगा, आपका यह सवाल सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलो आज मैं इसकी वैल्यू को लिख देता हूँ। जहाँ जहाँ K होगा वहाँ वहाँ क्या आएगा, 45 आएगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट पेज में लिख लेता हूँ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास जो कंडीशन होगी उसके तहत ही मुझे लिखना पड़ेगा। तो मेरे पास क्या लिखा है बेटा, एक्स प्लस 5 प्लस 3K। तो एक्स प्लस 5 प्लस 3 और 45 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 45। तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स ठीक है प्लस 5 प्लस 3 और K की जगह क्या आ जाएगा, 45। उसी तरह से बेटा प्लस का निशान वाई 2 लिखा हुआ है, उसके बाद K लिखा हुआ है तो 45 हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, 5 लिखूंगा, K की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, 45 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस का क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इक्वल टू 0। तो मैंने काफ़ी हद तक इसकी वैल्यू को बता दी है। अब क्या करना होगा, अब आपको जस्ट इसको आंसर लेकर आना होगा। ठीक है, तो बेटा इसको सिंपल इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा किसका, K का आ जाएगा। ठीक है, तो निकाल के बता दो मेरे पास क्या आ रहा है, क्या आपको समझ में आ रहा है किस तरह से इसकी वैल्यू निकलेगी। जाहिर सी बात है, जो आप सोच रहे हो ना बिल्कुल वही होगी। ठीक है, मतलब आपने इन तमाम वैल्यूज़ को इसके अंदर पुट कर देना होगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वैल्यू को पुट कर देता हूँ और मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। ठीक है, तो मेरे पास एक्स तो वैसे ही रह जाएगा, एक्स में तो कोई चेंजेस नहीं आएगी। ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक्स को वैसे ही लिख दिया, 5 भी वैसे लिख दिया, बस 3 को मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 3 को मल्टीप्लाई करना होगा 45 के साथ। अगर मैं 3 को 45 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखता हूँ मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 45 के साथ, तो मेरे पास क्या आएगा, 135 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का निशान y, 2 को 45 से करेंगे तो 90, माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, और अगर 5 को हम 45 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 255 आ जाएगा, और माइनस का क्या, 1 इक्वल टू 0। तो मेरे जरा इसको भी प्लस कर देते हैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 135 में 5 प्लस करोगे तो 140 आ जाएगा। ठीक है, तो 140x हो गया, प्लस का निशान, 90 में 6 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा, 84। तो 84y बचेगा, और बेटा यहाँ पे क्या होगा, प्लस का है और 1 माइनस हो जाएगा तो मेरे पास बच जाएगा बेटा 255 में से 1 माइनस होगा, 254 इक्वल टू 0। बेटा इन सब में से आपने क्या लेना है, 28 को कॉमन ले लेना है। क्या ले लेना है, 28 को कॉमन ले लेना है। तो बेटा मेरे पास क्या वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपने मुझे यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि 140 में से अगर 28 कॉमन लेते हैं, 84 में से अगर 28 को कॉमन लेते हैं और 254 में से 28 को कॉमन लेते हैं तो इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो आ जाए इसका पार्ट 6 सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से हो रहा है। कमेंट करके ज़रूर बताना ताकि क्या हो सके, मुझे पता चल सके कि आप इसको सॉल्व कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे। ठीक है, अगर कर रहे होगे तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी ना। तो चलो आ जाओ करके देख लेते हैं इसकी वैल्यू को, ताकि इसको क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3x माइनस 4y और उसके बाद लिखा हुआ है 5x प्लस y माइनस का 1, जो कि मेरे पास किसके बेटा कटिंग कर रहा है इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस। ठीक है, तो कटिंग द इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सेस, मतलब एक्स इंटरसेप्ट से भी कर रहा है, वाई इंटरसेप्ट से कर रहा है, ये दोनों लाइन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, आपने लेट करना होगा कि एल वन की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा, 3x माइनस का 4y प्लस का 1, जो कि एल टू की वैल्यू क्या है, इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे कहता है एल टू की वैल्यू क्या है, 5x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कर दिया, आपको मालूम है एल वन प्लस के एल टू मेरे पास किसके बराबर होता है, 0 के। तो L1 की वैल्यू क्या है, 3x माइनस का 4y, ये तो आपको याद हो गया वो कैसे करना है। प्लस का निशान, K की वैल्यू क्या है बेटा, 5x प्लस का y माइनस का 1 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, चलो आज मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x माइनस का 4y प्लस का 1, K को x से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 5 था तो 5kx आ जाएगा, फिर K को y से करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का ky आ जाएगा। ठीक है,
और के को वन से करोगे तो माइनस का के इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ज़रा इसमें से बेटा इसको कॉमन अरेंज कर लो, थ्री एक्स जो है और इन सब में इम्प्लाइज डेट का निशान डालना लाजमी है। ठीक है, थ्री एक्स और यहाँ पे प्लस का क्या लिखा हुआ बेटा, फाइव के एक्स। ठीक है, प्लस का के वाई, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा, फोर वाई। फिर बेटा प्लस का वन और माइनस का के इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब क्या करना होगा बेटा, मुझे इनमें से x कॉमन लेना होगा, तो x कॉमन आएगा तो क्या आएगा, 3 प्लस 5k। ठीक है, फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, प्लस का y आ रहा है, तो क्या बचेगा, k माइनस 4, जबकि मेरे पास प्लस का निशान आ रहा है, प्लस ले रहा है और 1 माइनस k था, तो मैंने इसको क्या कर दिया, आपके सामने वैसे का वैसे ही लिख दिया। क्योंकि आपके पास सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये क्या हो रहा है, ये इक्वल इंटरसेप्ट कर रहा है किससे, x से और किससे, y से। ठीक है, किससे कर रहा है, x और y से कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। आपने सबसे पहले x इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी होगी और y इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालनी होगी, और जब भी x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट कहा जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा बेटा, अगर हमें x इंटरसेप्ट, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट ऑफ देयर एक्सिस लिखा हुआ है ना सवाल में, इंटरसेप्ट एक्सिस का मतलब क्या होता है, x एक्सिस भी और y एक्सिस भी, तो x इंटरसेप्ट की अगर वैल्यू निकालने जा रहे हो तो बेटा x इंटरसेप्ट की वैल्यू कैसे निकलता है, कि सी एक्स इंटरसेप्ट बराबर होता है माइनस सी अपॉन ए के। उसी तरह से बेटा वाई इंटरसेप्ट जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, वाई इंटरसेप्ट जो मेरे पास बराबर होता है वो बराबर होता है बेटा माइनस का, सॉरी ये माइनस का है, हाँ बिल्कुल सही, माइनस का सी अपॉन बी। ठीक है, दो वैल्यूज होती है जिसके तहत हमें क्या करना होता है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो लिखा हुआ है सवाल के अंदर कि एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या है, आर इक्वल है, दोनों क्या इक्वल, तो मतलब माइनस का सी अपॉन ए इक्वल है माइनस के सी अपॉन बी से। ठीक है, तो बेटा एक काम कर लो, माइनस का सी और माइनस का सी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन ए बराबर हो जाएगा वन अपॉन बी। बेटा इसको इस साइड ले जाओ तो बी को मल्टीप्लाई, या ए को इधर ले आओ तो ए को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा, वन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ए अपॉन बी का आंसर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। अब क्या करना होगा मुझे बेटा, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, किसकी वैल्यू, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए पहले तो मैं k की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो k की वैल्यू निकालना बहुत आसान तरीका हो गया, a जो मेरे पास होगी वो पहली वाली टर्म होगी, जो x के साथ लिखा हुआ होगा ना वो a होगा, और b मेरे पास क्या होगा, जो आपके पास y के साथ लिखा हुआ होगा, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस 5k, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, b की वैल्यू k माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टर्म को मैंने आपके सामने लिख दिया बेटा, 4 को इसको उधर ले जाओ तो क्या बचेगा, 3 प्लस 5k इक्वल टू 1, किसी से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, k माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, k को इधर ले जाओ, 3 को उधर ले जाओ तो 5k माइनस का k इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर ले जाओ तो माइनस 4 माइनस का 3, तो 4k और माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, माइनस का 7/4 आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही के की वैल्यू आएगी, अब इस के की वैल्यू को कहाँ पुट करना होगा, इक्वेशन नंबर जो 1 है उसके अंदर, तो उसके बाद आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइंड आउट होकर के आ जाएगी। ठीक है, तो ये तरीके का आता है इस सवाल को सॉल्व करने का, तो सॉल्व करके देख लो तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, मैं लिख कर दिखा देता हूँ, फिलहाल तो मेरे पास थोड़ी सी जगह की कमी हो गई है, मैं नीचे के साइड लिख देता हूँ, ठीक है, शायद आपको नज़र भी आ रहा होगा, तो मैं क्या लिखता हूँ, एक्स लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, अभी तक k की जगह क्या हो जाएगा, 7/4, तो मल्टीप्लाई बाय बेटा माइनस का 7/4। ठीक है, ब्रैकेट क्या हो जाएगा, क्लोज, फिर उसके बाद क्या होगा मेरे पास, उसके बाद मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन प्लस का वाई, तो प्लस का वाई लिखूँगा, और फिर क्या लिखूँगा, k माइनस 4, तो k की वैल्यू क्या है, माइनस का 7/4 और माइनस का 4। ठीक है, उसी तरीके से मैं क्या लिखूँगा, फिर 1 माइनस k लिखा हुआ है तो प्लस का निशान होगा 1, माइनस के की वैल्यू क्या बेटा, माइनस का 7/4 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब सेकंड ईयर में तो पहुंच चुके हो और आपको ये सॉल्व करना आता है, जाहिर सी बात है 5/7 से कितना होता है 35, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी 5/7 से 35 माइनस का क्या आ जाएगा 35 अपॉन और यहाँ पे क्या 4, तो मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा। ठीक है, फिर प्लस का निशान वाई लिखूंगा और माइनस 4/4 16, तो माइनस 7 माइनस का 16 अपॉन क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, और बेटा प्लस का 1 है तो माइनस का सॉरी 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास 4 1 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा
और 7 अपॉन क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब बेटा ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको सिर्फ सिंपल सॉल्व करोगे और एक इक्वेशन बना दोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस सवाल को भी कर लिया, चले आ जाए इसका पार्ट नंबर 7 करते हैं। अब हमें पार्ट 7 आगे लिखा हुआ है, एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है और लिखा आ रहा है कि वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है बेटा, माइनस का 2 है। तो लेट कर लेना फिर से कि एल1 जो है वो बराबर है 43x प्लस 29 है, ठीक है 29 है, याद रखना बेटा, लिख के मेरा भी हार्ट रेट हो गया है और काफ़ी देर से मैं क्या कर रहा हूँ ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना ताकि मैं इसी तरीके से आपके लिए क्या करते रहूँ बेटा, वीडियोस बनाते रहूँ, ठीक है। 43x प्लस 29y प्लस 43 और 23x प्लस 8y प्लस 6 मैंने लिख दिया। कंडीशन आपको मालूम है एल1 और क्या होता है के एल2 और इक्वल टू 0। तो एल1 के की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, निकालने के लिए क्या करेंगे इसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो एल1 की जो वैल्यू होगी उसको लिखा जाएगा, पहले मैं एल2 लिख रहा हूँ 23x प्लस 8y और प्लस का 6 इक्वल टू 0, जबकि L1 की वैल्यू क्या है बेटा, L1 की वैल्यू है 43x प्लस का 29y प्लस का 43, ठीक है, और फिर इक्वल प्लस का निशान बेटा k मल्टीप्लाई होगा 23 के साथ 23 के एक्स, फिर सर क्या हो जाएगा k को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8ky और प्लस का k को 6 से करेंगे तो 6k आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 6k इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो मैंने आपको लिख करके क्या कर दिया, लिखा दिया, ठीक है, कैलकुलेशन हुई थी जगह कैलकुलेशन की मैंने वैल्यू आपको क्या कर दिया बता दिया। अब क्या करना होगा, इसको थोड़ा सेट कर लेता हूँ कैमरा को, सेट हो गया है मेरा, अब यहाँ तक तो हो गया है। अब क्या करना होगा, इसको मुझे वैल्यूज को अरेंज करना होगा, 43x है और बेटा एक्स वाई टर्म क्या है 23kx है, ठीक है, फिर प्लस का 29y है और बेटा यहाँ पर प्लस का 8ky है और आखिरी में क्या लिखा हुआ है 6k इक्वल टू 0। भैया इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो क्या बच रहा है मेरे पास 43 प्लस 23 का k, फिर प्लस का निशान बेटा इनमें से क्या कॉमन आ रहा है y, तो क्या बच रहा है 29 प्लस 8k, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा मेरे पास 6k, तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है, और मेरे पास एक और टर्म है 43, ठीक है, तो प्लस का क्या आ जाएगा 43 इक्वल टू क्या हो गया 0, ठीक है, यहाँ पर मैंने 43 लिखा नहीं था, ये मेरे पास 43 था, तो प्लस का क्या लिख देना 43 भी लिख देना, ठीक है, तो 6k प्लस 43, तो उससे कोई मसला नहीं होता। इसमें लिखा हुआ बेटा हमें y इंटरसेप्ट निकालना है, क्या निकालना है y इंटरसेप्ट, तो याद रखना y इंटरसेप्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता था कि मेरे पास माइनस का c अपॉन b होता था, y इंटरसेप्ट लिखा हुआ है ना माइनस का 2, तो बेटा y इंटरसेप्ट की जगह क्या हो जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का C की वैल्यू क्या होगी बेटा, C की वैल्यू जो कांस्टेंट टर्म होता है ना हमारे पास वही होता है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है माइनस का निशान डाला 6k प्लस 43, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा B की वैल्यू, B की वैल्यू क्या है 29 प्लस 8k है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके लिखा दिया ताकि क्या हो जाए आपका आंसर क्या हो सके, सही से निकल सके। अब k की वैल्यू निकालनी है ना, तो मैं क्या करूँगा इस वाइट टर्म को इधर ले आऊँगा 29 को, ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए, तो माइनस से माइनस अगर चाहूँ तो मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ लेकिन बाद में करूँगा, ठीक है। तो 29 प्लस 8k और इक्वल टू माइनस का क्या हो जाएगा 6k हो जाएगा और माइनस का क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 229 का कितना होता है, 229 का मेरे पास होता है 58, कितना होता है 58 प्लस 28 का मेरे पास 16 होता है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 16k माइनस प्लस माइनस का 16k होगा, ठीक है, और इक्वल टू माइनस का 6k माइनस का 43, ठीक है, फिर माइनस का 6k को इधर ले आओ और बल्कि इसको उठा के इधर ले आओ, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास हो जाएगा ये 16 था 2 8 16, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, ये उधर चले जाएगी, तो 6k था और माइनस का तो क्या हो जाएगा 16k हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का 43 था, ये उधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 58 हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको करके क्या कर दिया, दिखा दिया। अब क्या कर दो, दोनों का प्लस कर लो, तो 6 का कितना होता है, 6 प्लस 6 12 होता है और 12 और 1 प्लस हो जाएगा, तो ये इस तरह से हो जाएगा, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है पहले ही देख लिया, तो माइनस का ही उधर चल जाएगा, तो माइनस का 58 तो यहीं पर आएगा, ये माइनस का 43 इधर आ जाएगा, तो 43 पॉजिटिव में हो जाएगा, माइनस का 6k क्या वैसे ही रहा और ये 16 तो प्लस का क्या आ जाएगा 16k आ जाएगा, ठीक है, माइनस का
58 और प्लस का 43 मेरे पास किसके बराबर होता है बेटा, माइनस के 15 के बराबर होता है, और ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, 10k के बराबर हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 15/10, और इसको भी सॉल्व कर लो और ये क्या हो जाएगा आपके पास 3 2 6, ठीक है, 5 1 5, 5 2 10 और 5 3 15, तो k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 3/2, ठीक है। तो ये मैंने वैल्यू आपके सामने निकाल करके क्या कर दी, दिखा दी। अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। जब k की वैल्यू निकल जाएगी बेटा, तो इसको कहाँ पुट कर दोगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दोगे, और जब इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा बेटा, एक आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, जस्ट इसका आंसर लेकर आना होगा। मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास, बल्कि बुक में तो मौजूद होगा। आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि इसका आंसर भी क्या आ रहा है, ठीक है। मुझे मेथड पूरा मैंने बता दिया है, ठीक है, तमाम वैल्यूज लिख के लिखा है, माइनस का 3/2। तो बेटा अब क्या होगा, के की जगह माइनस का 3/2, इस के की जगह माइनस का 3/2, और इस के की जगह माइनस का 3/2। सिंपल एलसीएम लेकर इसका क्या कर लोगे बेटा, आंसर ले आओगे, और हमारे पास ये पार्ट 7 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट मतलब 8 पार्ट आ गया है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखा भाई, दो इक्वेशन हैं और तीसरी इक्वेशन क्या बना रहा है बेटा, एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, ठीक है। तो आपने क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा, लेट एल वन जो है वो किसके बराबर है, 2x + 7y - 8 = 0, एल टू बराबर है किसके बेटा, 3x + 2y + 5 = 0, ठीक है। एल थ्री जो है बेटा वो क्या है, 2x + 3y - 7 = 0 है, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने क्या कर दिया, लिख करके दिखा दिया। तो अब क्या करना होगा, अब इसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सॉल्व किस तरीके से होगा वो भी देख लेते हैं। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा बेटा, हमारे पास दो लाइन है और एक की एंगल गिवन है मुझे, ठीक है। तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे कि एल वन प्लस के एल टू बराबर किसके होता है, 0 के। तो मेरे पास एल वन की वैल्यू क्या है, 2x + 7y - 8 = 0, ठीक है। तो ये मेरे पास ट्रम हो जा रही है, और उसके बाद प्लस का निशान है, तो मुझे क्या डालना होगा, मैंने यहाँ पर प्लस का निशान नहीं डाला, प्लस फिर के लिखा, और एल टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3x + 2y, और मेरे पास क्या हो जाएगा, +5 = 0, ठीक है। चलो इसको उसी तरह से सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोग अभी सॉल्व करते हुए आए थे। तो 3kx हो जाएगा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ky हो जाएगा, और प्लस k5 से होगा तो 5k हो जाएगा = 0। अब x वाले टर्म को x के साथ लिख दो, तो 2x प्लस का 3kx, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, 7y और प्लस का 2ky, यहाँ पे माइनस का 8 और प्लस का 5k, ठीक है। मैंने पूरी वैल्यू लिखी है 0 तक, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, x, तो क्या बचेगा, 2 + 3k, ठीक है। फिर प्लस का निशान y, तो क्या बचेगा बेटा, 7 + 2k, और मेरे पास आखिरी में माइनस का 8 + 5k = क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको एज अ स्लोप इसकी वैल्यू मालूम करनी होगी, ठीक है। स्लोप आपको मालूम है कि अगर मुझे m1 निकालना होगा तो माइनस का मेरे पास क्या होता है, m1 निकालने जा रहा हूँ तो मेरे पास कोफिशियंट ऑफ x, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड होता है किसके साथ, कोएफिशिएंट ऑफ y के, ठीक है, दोनों एक दूसरे से क्या होता है, डिवाइड। तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है मेरे पास, m1 की वैल्यू है 2 + 3k - माइनस का निशान वैसे ही डलेगा, और नीचे वाली वैल्यू क्या है बेटा, 7 + 2k, ठीक है। ये मेरे पास टर्म हो गई 7 + 2k। उसी तरह से बेटा हमने क्या करना होगा, m2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ m2 की वैल्यू क्या होगी बेटा, थर्ड इक्वेशन से माइनस ऑफ कोफिशियंट है, तो क्या आ जाएगा, कोफिशियंट ऑफ x, तो माइनस का 2/ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। m1 f2 की वैल्यू आ गई, अब मुझे बेटा क्या निकालना है, थीटा निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, थीटा। तो tan थीटा मैं जिस तरह से आपको सॉल्व करवाया था बेटा, m1 माइनस का tan थीटा निकालना था, m2 माइनस m1 अपॉन क्या होता है, 1 + m1 और m2, ठीक है। तो ये मेरे पास फार्मूला होता है। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, m2 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2/3, ये माइनस का निशान, m1 की वैल्यू क्या है बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2 और माइनस का 3k, ठीक है, ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, 7 + 2k, ठीक है। तो 7 + क्या हो जाएगा,
टू के हो जाएगा। उसी तरीके से डिवाइड में क्या लिखूंगा, वन लिखूंगा, प्लस लिखूंगा। बेटा एम वन की वैल्यू मुझे मालूम है, वो क्या है, माइनस का टू माइनस का थ्री के अपॉन सेवन प्लस टू के, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम टू की वैल्यू क्या है, माइनस का टू अपॉन थ्री है, ठीक है। तो इस वाली वैल्यू को मैंने लिखकर दिखा दिया, जो कि मेरे पास किसकी वैल्यू निकल रही है, टेन थीटा की निकल रही है, ठीक है। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करके कैलकुलेशन क्या होता है, क्योंकि मुझे अभी बाकी सवाल भी आपको सॉल्व करना है, तो मैं आपको उसकी कंडीशन बता दूँगा कैसे होगा। ये माइनस का टू वैसे लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस दोबारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का टू प्लस का टू और प्लस का थ्री हो जाएगा, ठीक है। यही टर्म को जाएगा डिवाइड कर देना, यही टर्म को इधर आके मल्टीप्लाई कर देना, और इन दोनों को एक दूसरे से कर देना। उसी तरह से बेटा इसको भी सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, जो नीचे की वैल्यू आएगी वो वन से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि आप सेकंड ईयर में हो और आपको इतना मालूम होगा कि कैलकुलेशन कैसे होती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना और सॉल्व करके मुझे बताना इसका जवाब क्या आ रहा है, क्योंकि हमने आधे से ज़्यादा काम इसमें कर दिया। बल्कि एक स्टेप चलो मैं आपके लिए करके दिखा देता हूँ कि माइनस का टू अपॉन थ्री हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टू, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री के, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, सेवन प्लस टू के। उसी तरह से नीचे क्या आएगा, टू को अगर इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू, तो प्लस का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का क्या आ जाएगा, फोर, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और थ्री टू जो कितना होता है, सिक्स के हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन क्या आ जाएगा सबके नीचे, लाइक थ्री आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब थ्री इस वाली को मल्टीप्लाई करो, थ्री सेवन का कितना होता है, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन आ जाएगा प्लस का निशान। अब बेटा टू थ्री का कितना होता है, सिक्स के होता है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, सिक्स के आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक तरीका होगा जिसके तहत मुझे इसे सॉल्व करना होगा। अब क्या करोगे बेटा, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, इन दोनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई, उसी तरह से इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आखिरी में एक फाइनल केक आंसर आएगा। तो उस केक के आंसर को लेकर आ जाना, ठीक है। टेन की वैल्यू मुझे मालूम है किसके बराबर है, 45, और टेन 45 किसके बराबर होता है, वन के बराबर होता है। तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वन, और इस वाले हिस्से से आपने क्या निकालना होगा, के की वैल्यू फाइंड आउट करके बताना होगा। तो के की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, मेरे पास वन आ रही है, माइनस का वन अकॉर्डिंग टू बुक। तो इसको करके देखना और बताना ये वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब ये हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 8, 9 तो कर लिया, अब इसके बाद 10, 11, 12 को सॉल्व करते हैं।